हम लोग यहाँ माधव आश्रम आए हैं अग्निधाम में, जहाँ अग्निहोत्र का उत्पत्तिकरण हुआ है। और यहाँ पे युग प्रवक्ता श्री माधव जी साहब, जिनने अग्निहोत्र को स्वरूप दिए, अद्भुत स्वरूप दिए, और परम पूज्य दीदी जी द्वारा मैं आज आपको उनका इस समाधि और वो स्थान दिखाना चाहता हूँ। आइए, ये अग्निधाम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्री माधव स्वामी समाधि स्थल। अग्निहोत्र का समय ताल चक्र के हिसाब से सुबह 6:16 में और शाम को 6:05 में, और ये उनका स्थल है जहाँ हम सर निभाते हैं, जिनने अद्भुत अग्निहोत्र जो सूर्य के अलावा ऐसी कृति है जिसमें 7 रंग की ऊर्जा निकलती है, वो अग्निहोत्र सूर्य के अलावा 7 ऊर्जा उन परम पूज गुरु जी माधव पोद्दार जी को प्रणाम करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आज 1 अक्टूबर में युग प्रवक्तक श्री माधव जी पोद्दार साहेब का जन्मदिवस है, जिन्हें सच्ची में एक नए युग का निर्माण किए हैं। यहाँ पे उपस्थित परम पूज्य दीदी, यहाँ पे उपस्थित गुरुजन मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आज हम इस ऐतिहासिक और अद्भुत जगह पे विराजे हुए हैं, और मैं आपका छोटा भाई समझ लीजिए, आज यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला है। तो सबसे पहले अग्निहोत्र, जो अपने आप में एक चमत्कार है, अलौकिक अद्भुत शक्ति है, इस धरती में सूर्य के अलावा अग्निहोत्री ऐसी कृति है जिसमें 7 ऊर्जा 7 रंग ऊर्जा के निकलते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले 5 मिनट के लिए आग बंद करके इसको आप महसूस कीजिएगा, जब मैं बोलूँगा आप जब कीजिएगा। जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होंगी राधा कृष्ण जी की, जब भी हम भगवान की हमारी लीला चलती है तो उसका एक चेतना का भी एक प्रकृतिकरण होता है, हर लीला के पीछे एक चेतना का प्रकृतिकरण है। तो आपने जब राधा कृष्ण जी का सुने होंगे तो सबसे पहले कहते हुए कि कृष्ण जी से पहले राधा का नाम आता है। तो इसको हमको आध्यात्मिक उसमें अगर हम अगर उसको समझेंगे, तो जब हम आग बंद करते हैं तो हमारे आँखों के सामने श्याम वर्ण आता है, हमारे कृष्ण जी का नाम श्याम भी था। और जब हम आग बंद करते हैं तो शुरू के 1 मिनट में हमारे सामने नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा या जो भी हम करते हैं, जो भी विचार रहता है, तुरंत में आता है, और हमारी धारा निरंतर डाउनवर्ड ऊर्ध्वगति की तरफ या नीचे की तरफ जाती है। लेकिन जब हम आग बंद करके मन को स्थिर करते हैं और हमारी 7 ऊर्जा को जागृत करते हैं, या उस समय मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि अगर हमारा मन स्थिर नहीं हो और समाज की अगर रुकावटें ना हो तो हम लोग पाश्विक सभ्यता में चले जाएंगे। तो ये एक भी एक बंधन है जिससे हम लोग बंधे हुए हैं। और जब हम आग बंद करके मन को स्थिर करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो हमारी धारा ऊर्ध्वगति की ऊपर जाती है, और जैसे ऊर्ध्वगति की तरफ जाते हैं तो हमारी चेतना का जागृतिकरण होता है। तो धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। तो यही राधा और कृष्ण का मिलन है। जब हम आग बंद करके अपने मन को शांत करके, हम अपने चक्रों को जागृत करके, जब हम धारा को निरंतर ऊपर की तरफ या ऊर्ध्वगति की तरफ ले जाते हैं तो हमारा राधा कृष्ण का मिलन हो जाता है। तो यही हमारी चेतना का प्रकृतिकरण है, हर भगवान की लीला के पीछे प्रकृति का चेतनाकरण है। तो इसको हमको समझते हुए सब लोग आग बंद करेंगे, और अग्निहोत्र की जो 7 निकलने वाली ऊर्जाएँ हैं वो हमारे 7 चक्रों को कैसे जागृत करते हैं इसको हम समझेंगे। तो सब लोग आग बंद करके 2 मिनट ध्यान लगाइए। जैसे ही हम अग्निहोत्र करते हैं उससे जो 7 रंग निकलते हैं, हम आग बंद करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। तो आप लोग आग बंद करिए और आपका मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचा हिस्सा होता है, सबसे आखिरी का, वहाँ से जागृत होता है। और जो मूलाधार चक्र है वो हमारा मूल आधार है, जो हमारी शैलपुत्री माता है। सब ऊर्जा कंपन में है, लेकिन ये ऊर्जा जो है हमारी सॉलिड फॉर्म में है, मतलब इसी से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, यहीं से हमारी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम अग्निहोत्र से निकलने वाली ये अग्नि की ऊर्जा में, ये ऊर्जा हमारी लाल कलर की होती है,
जब आप आँख बंद करेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे पहले नीचे में ध्यान लगाएंगे तो आपकी लाल चक्र से, इस ऊर्जा से, अग्नि ऊर्जा से निकलने वाली आपकी मूलाधार चक्र, जिससे आपके पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, जहाँ से आपका चेतना का विस्तार होता है, वो जागृत हो रही है। और ये लाल रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है और इस ऊर्जा से हमारे शरीर की रक्त की कोशिकाएँ भी शुद्ध हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इसी से हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना सब नियमित होता है। और जैसे ही ये ऊर्जा हमारी जागृत होगी, लाल रंग की रोशनी, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है कि ऋग्वेद में जो सबसे पुराना है उसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा, और उसमें भी रंग ऊर्जा होती है कि इस रंग से कैसे हम अपने रोग को, हमारे मन द्वेष को ठीक कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा से हमारा ठीक होते जा रहा है। अब हम ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व गति की तरफ आ रहे हैं तो हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है। ये स्वादिष्टान चक्र नारंगी कलर का है। ये हमारी दूसरी माता ब्रह्मचारिणी माता है, जो शांत है, स्थिर है और ब्रह्मचर है। हमारा मन शांत होके हमारे अंदर एक चेतना का जागृतन हो रहा है और हमारी ऊर्जा चारों तरफ, ये नारंगी कलर की ऊर्जा फैल रही है और हमारे चेहरे का तेज बढ़ रहा है, हमर में स्थिरता आ रही है और हमारा मन शांत होते जा रहा है। अब इस ऊर्ध्व गति की तरफ जाते हुए हमारी तीसरी ऊर्जा है मणिपुर चक्र। इस मणिपुर चक्र हमारी नाभि के जस्ट पीछे है, रीढ़ की हड्डी में। तो नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। इन्हीं नाड़ियों से हमारा कफ, वात, पित्त सब संशय होता है, कंट्रोल होता है। इसको हम करेंगे और ये जो पीला कलर की रोशनी है ये हमारे पूरे शरीर में फैल रही है और ये पीला कलर हमारे शरीर को रोग मुक्त और शक्ति प्रदान कर रहा है। फिर चेतना को आप ध्यान लगाएंगे, फिर हम धीरे से ऊर्ध्व गति की तरफ जा रहे हैं और हमारे दोनों लंग्स के पीछे अनाहत चक्र में आ रहे हैं, जो हरा कलर का है। ये अनाहत चक्र जागृत होने से हरी कलर की रोशनी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। हमारा हृदय आनंद से भर चुका है और इससे हमारे हृदय से, धमनियों से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब साफ हो रही है। हमारा दिल शुद्ध हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है और हमारी हवा पवित्र हो रही है। जैसे आप इससे ऊपर जाएंगे ऊर्ध्व गति की तरफ तो हम गले की तरफ जाएंगे। हमारे गले के पीछे विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। ये नीले कलर का है। हमारे शरीर से जितना भी जहर तत्व है वो निकलते जा रहा है। हमारा शरीर शुद्ध होते जा रहा है। किसी भी प्रकार की हमारी बीमारी से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। ये नीले कलर की रोशनी हमारे पूरे शरीर में प्रवाह कर रही है। महसूस कीजिए कि ये नीले कलर की रोशनी आपको पूरा रोग मुक्त कर रही है। जिस तरीके से हमारे शंकर जी ने विष पी के कंठ में समा लिए थे, वैसे हमारे कंठ में जमा हुआ पूरा विष निकलते जा रहा है। इसके बाद जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे दोनों माथों के बीच आज्ञा चक्र में हम पहुंच जाएंगे। आज्ञा चक्र जिससे हमारा मन शांत होता है, जिसमें हमारी बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार आते हैं। और ये चक्र जामुनी कलर का है। ये जामुनी कलर आपके पूरे शरीर में फैल रही है और शांत मन से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आपका मन एकदम शांत हो गया है। आपके अंदर एक अद्भुत अलौकिक चेतना का विकास हो रहा है और इस दुनिया में उससे शक्तिशाली कोई आदमी नहीं हो सकता जिनका मन शांत है। आपका मन शांत होते जा रहा है। अब इससे ऊपर हमारा सर के ऊपर, मुकुटी के ऊपर सहस्त्र चक्र जागृत हो रहा है। ये बैगनी कलर का है। ये चक्र से हमारे हजारों करोड़ों न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं और सीधे ईश्वर की शक्ति हमारे उसमें आ रही है। छह चक्र को जागृत करने के बाद जब सात चक्र जागृत होता है, बैंगनी कलर की रोशनी हमारे पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब हम सीधे ईश्वर की शक्ति हमारे पास आती जा रही है। अब हमारा मन शांत है और एक अद्भुत चेतना का हमारे उसमें विकास हो गया है। अब धीरे से आप लोग अपनी आँख खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आज जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो देश, वो नागरिक आगे नहीं बढ़ सकता जिसको हमारी संस्कृति पे गर्व ना हो। और हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है, अद्भुत है, अलौकिक है। इसका मैं आपको प्रमाण सहित आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक हर तरीके से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊँगा और बारे में बताऊँगा। तो आज्ञा चक्र जागृत करेंगे। अग्निहोत्र में ईश्वर की दी हुई 5 उत्तरण मात्रा आती है। जैसे हम सब लोग पंच तत्व के बने, आज मैं आपको पंच तत्व के बारे में भी पूरा संक्षेप में बताऊंगा। पंच तत्व
भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। हमारे वेदों में, ऋग्वेद में इसका पूरा शास्त्रार्थ है, शास्त्रार्थ है कि कैसे हमारे पंच तत्व, पंच महाभूत हमारे शरीर को शुद्ध और सचीव करते हैं। यही पंच तत्व ईश्वर की वो शक्ति है जिसको हमारे पूर्वजों ने खोजा है, जिसको हम पूरे संक्षेप में आगे जानेंगे। तो पांच उत्तरण मात्राएं रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श के रूप में आती हैं। रूप जो हमको अग्निहोत्र का रूप दिखता है, रंग जो सात ईश्वर की सात चक्र जो सूर्य देवता के अलावा सिर्फ इस कृति हमारी धरती में सिर्फ अग्निहोत्र में यज्ञ में है ये आपको देखेगी। तीसरी गंध, उससे भी सूक्ष्म, मतलब उससे -10 और सूक्ष्म होती जाती है गंध, जो हम उसकी खुशबू महसूस करते हैं। स्वर जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और स्पर्श इसमें इतने जो हम सूक्ष्म आँखों से देख पाते हैं, नॉर्मल आँखों से हम जो नहीं देख पाते हैं, वो पूरे एटम्स हमारे वातावरण के चारों तरफ प्रवाहित हो जाते हैं। तो अग्निहोत्र अपने आप में इतना अद्भुत है। हमारे ऋग्वेद में मूल मंत्र ये लिखा है कि कोई भी चीज़ हो तो अग्नि की शक्ति और यज्ञ कर, चाहे जीवन में कोई तपस्या करना है तो यज्ञ कर, जब हम कोई बड़े अनुष्ठान करते हैं, कुछ चीज़ करते हैं तो हम बड़ा यज्ञ करते हैं। लेकिन ये एक अनोखी विधि है जो ताल चक्र में, जो सुबह के समय और शाम के समय, जब धरती से अंधेरा उठ के उजाला आता है और रात को जब उजाला हट के अंधेरा आता है, उस चक्र में करते हैं, जो हमारे परम पूज गुरु जी ने, अद्भुत साहिब जी ने, अद्भुत हम सबको वो शक्ति दी कि हम सुबह शाम अग्निहोत्र करके, क्योंकि कहते हैं संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि। जब आप मंत्रों का उच्चारण करके संकल्प से वो काम करते हैं तो अग्नि देवता की धर्म पत्नी स्वाहा है, उनको वरदान मिला है कि जैसे आप कोई भी चीज़ बिल्कुल अपने दिल के उससे, क्योंकि ईश्वर भाव देखता, भाव से जब आप बोलेंगे तो साक्षात ईश्वर पूरे देवता वहाँ प्रकट होंगे। तो इतनी अद्भुत अलौकिक प्रबल शक्ति है अग्निहोत्र की। तो जब आप घी, गोबर, अब गोबर के बारे में मैं थोड़ा बताऊँगा, गोबर में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं, और श्री एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे गाय के गोबर के कंडे में पाई जाती है जिसमें लक्ष्मी जी का वास है। तो सोचिए कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे वो गोबर है, जो साक्षात ईश्वर की शक्ति है। इसके बाद जब हम घी कहते हैं, घृत को हमारे यहाँ अमृत समान माना गया, और अक्षत मतलब जो पूरा संपूर्ण हो, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता हो, जो बिल्कुल संपूर्ण हो। जब बहन बेटियाँ या हमारे उसमें राखी में या कोई ऐसे त्यौहार में जब हम अक्षत लगाते तो लंबी उम्र का प्रतीक भी होता है। मैं एक कृषक हूँ तो थोड़ा कृषि के बारे में भी आपको साथ में जब बीच बीच में जानकारी दूंगा कि जब आप अग्निहोत्र करते हैं और भावनाओं से कहते हैं संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि, उसको चरितार्थ करके जब हम अग्निहोत्र करते हैं, और जैसे ही हम सुबह के समय, क्योंकि धरती हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता है, सूर्य देवता या अग्नि देवता, अग्नि से हर चीज़ प्योर हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा प्योर करने की चीज़ हमारी अग्नि है। जब हम स्वाहा बोल के करते हैं और पूरे दिल से बुलाते हैं तो ये ईश्वर का वरदान है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा स्पीड से हमारी सूर्य देवता, हमारे अग्नि देवता, हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा वहाँ पे आते हैं, और जिस संकल्प, जिस भावना से हम शक्ति मांगते हैं उस मामले से शक्ति मिलती है। अगर आध्यात्मिक की जगह आप साइंटिफिकली इसको देखें तो साइंटिफिकली भी इसमें फॉर्मलिन गैस निकलती है। जैसे जब किसी का ऑपरेशन होने वाला रहता है तो रूम को सैनिटाइज करने के लिए फॉर्मलिन गैस का स्प्रे होता है, औजारों को सैनिटाइज करने के लिए फॉर्मलिन गैस होता है। जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, आप समझ लीजिए आपका घर है और बाहर है, हम सोचते हैं कि बाहर का वातावरण में अगर धूल या धूप है तो वो शुद्ध नहीं है, अंदर का ज़्यादा शुद्ध है। लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से बाहर से ज़्यादा हमारा घर आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, जो आगे मैं इसका आपको मैं बताऊंगा कि जैसे गांव में भी आज ऑक्सीजन लेवल जो 21% जो हमारे वातावरण में प्राकृतिक तौर पे वो 18-19% हो गया, और शहरों में तो 11-12% तक पहुंच गया है। मैं रिसर्च के बारे उससे आपको बता रहा हूँ। तो हमारे उसमें पहले के ज़माने में गोबर या चूना पूता होता था, आज की डेट में हम केमिकल और ऐसी चीज़ें, इससे रोगाणु पैदा होते हैं। तो ये फॉर्मलिन गैस आप फर्श में तो पोछा और वो सब लगा लेंगे, लेकिन हम दीवारों को साफ़ नहीं कर सकते। जब हम अग्निहोत्र करते तो साइंटिफिकली फॉर्मलिन गैस हमारे चारों तरफ सूक्ष्म आइटम करके पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। फॉर्मलिन गैस के अलावा हमारे उसमें प्रोपिलीन गैस और एथिलीन गैस ऐसी होती है कि जैसे हमारे कोई फलों को पकाना है, आप कमरे में रख के आज और उस अग्निहोत्र कीजिए तो ये एथिलीन गैस से हमारी पूरे फल पक जाएंगे, 3 दिन के अंदर आपको प्राकृतिक तौर पर हो जाएंगे। आज हम लोग कार्बोनेट और क्या क्या जहर डाल के उसको पकाते हैं, अग्निहोत्र में वो शक्ति है। प्रोपिलीन गैस तो ये शक्ति होती है कि जब बादल बनते हैं जो होते हैं प्रोपिलीन गैस के द्वारा बनाते हैं, मतलब आप वर्षा तक करा सकते हैं। अभी साइंटिस्ट जो
आर्टिफिशियल जो पानी गिराते हो प्रोपिलीन गैस द्वारा करते हैं। तो सोचिए कि अग्निहोत्र में जबरदस्त चीज़ है, और जब ये तीनों गैस मिलकर वातावरण में होती हैं तो हमारे वातावरण में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कार्बन को अलग करती है और ऑक्सीजन को प्रवाह करती है। और जब कार्बन ज़मीन में गिरता है, अगर खेती के उसमें देखें तो हमारे ज़मीन में पानी की मात्रा भी बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन प्राकृतिक तौर पर बढ़ता है। मतलब आप चाहे साइंटिफिकली देख लीजिए या प्रैक्टिकली देख लीजिए, अग्निहोत्र चमत्कार के अलावा कुछ नहीं है। जो हमारे इसमें प्रमुख जो गोबर और घी है वो हमारे गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है उनके द्वारा होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत और चमत्कारिक हमारा अग्निहोत्र है। आप लोगों ने सुने होंगे हमारे बुजुर्ग लोग धोवन का पानी, सुने आप लोगों ने धोवन का पानी? पहले के ज़माने में धोवन का पानी चलता था। धोवन का पानी मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन गांव में 18-19% बची है और शहर में 10-14% तक, मतलब कम होती जा रही है। धोवन का पानी क्या होता है कि जब हम गौ माता गोबर करती है तो उसमें 23% ऑक्सीजन या प्राणवायु होती है। कितने परसेंट होती है? जब हम उसको सुखा के कंडा बना लेते हैं तो कंडा बनाने के बाद वो 25% हो जाती है। मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ पूरे इसके फैक्ट के साथ, 25% हो जाती है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करके उसको नॉर्मल अगर हम उसको अग्नि प्रवाहित करें तो उसमें भड़के 27% हो जाती है, और जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो वो भड़के लगभग 30% हो जाती है, और जब हम उसको विशुद्धि करके और उसका भभूत बना लेते हैं तो 40% तक हमारे उसमें गोबर में क्या हो जाती है? प्राणवायु ऑक्सीजन आ जाती है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, इसको भभूत कहा जाता था। 10 लीटर पानी में 25 ग्राम भभूत को डाला जाता था, और जब वो ज़मीन के नीचे आ जाती थी तो वो पानी को जादुई पानी, ऊर्जा पानी, शक्तिशाली पानी बोला जाता था, शक्तिशाली जल बोला जाता था। अभी आपने कोरोना में देखे होंगे सबका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। ऑक्सीजन लेवल क्यों डाउन हो गया था? कि इतना ज़्यादा प्रदूषण शहरों में और ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर थी। लेकिन अगर हम इसका पानी का उपयोग करें तो ये एक्लाइन वाटर की श्रेणी में आता है। इतनी ज़्यादा आप में ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा और आपके मन बुद्धि संस्कार ठीक हो जाएंगे। इसको पानी पीने से नेगेटिव थॉट या जिसको मानसिक बीमारी उसको चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है हमारे आसपास उसको ये जड़ से ख़त्म कर देती है कुछ समय। मतलब इसके तो इतने अद्भुत परिणाम हैं कि हमारे टॉन्सिल से लेके इतनी बीमारियाँ ठीक कर सकती हैं ये। तो ये पानी हमारे पुराने ज़माने में पिया जाता था, ये हमें भभूत दी जाती थी तो हमको बोलते थे कि अरे तो भभूत दे रहे हो, कहते इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे हर अध्यात्म के पीछे एक विज्ञान है, एक अद्भुत विज्ञान है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो परम पूज्य दीदी द्वारा, हमारे साहेब द्वारा इतना अद्भुत हमें चीज़ दी गई है, इतनी अलौकिक शक्ति दी गई है जिसका हमको उपयोग करना चाहिए। अग्निहोत्र अपने आप में चमत्कार है। हमारी कृषि में जब हम इसका हम उपयोग करते हैं तो हमारी धरती माता में ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा खेती के विषय में आता हूँ, अग्निहोत्र से जुड़ के और उसके आगे के विषय में मैं आता हूँ। हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने बोले हैं कि अनेना धार्यते सर्वम, अनेना धार्यते सर्वम जग देता कार्यकारम अन्नात् प्रभावित प्राणा प्रत्यक्षम नस्ति संशय। के युधिष्ठिर, ये जो अन्न है वो जीवनदायिनी है, अन्न के बिना जीवन ही संभव नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप में से हाथ उठाइए जो जो अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वो लोग हाथ उठाइए एक बार, जो जो अपने परिवार से प्रेम करते हैं। इसलिए आप अपने परिवार को जहर खिला रहे हैं, मानते आप जहरीली खा रहे हैं, और कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी पानी वैसी आपकी वाणी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं बहुत छोटा था, हम जहाँ सिवनी में रहते सुक्करवारी वाले घर में, हमारा जो घर था या पुराने ज़माने के 100 साल पुराना मकान था, वहाँ पे 150 लोग रहते थे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 30 साल पहले। कितने लोग रहते थे? हम पापा लोग, हमारे 2 भाई और 3 भाई, उनके हम तीनों भाइयों के 2-2, 3 मिला के 7 लड़के, और हमारी भुआ। जब मेरी बेटिया हुई तो 62 साल बाद हमारे ख़ानदान में बेटिया आई, तो सबसे उससे पहले हमारी भुआ थी 62 साल की। तो हमारी भुआ ने एक बहुत चमत्कारिक चीज़ बताई, बोली हमारे जैसे हमारी जो पापा की मम्मी थी वो लोग उनको बाई बोलते थे, और सब ऐसे अलग अलग ऐसे हमारे वहाँ 11-12 घर थे, सब मालू फैमिली हम लोगों की। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरी माँ कौन है मुझे पता ही नहीं, शादी हुई तो मुझे पता चला कि ये मेरी माँ है। इधर खा लेती थी, कभी ऊपर खा लेती थी, कभी इधर खा लेती थी, 8-10 बहनें हो जाती थी, सो जाती थी। इतना प्रेम था, किसी के घर में खाने की कमी नहीं होती थी। क्यों?
और सब लोग छत में सो जाते थे। जिन लोगों ने छत में सोए उनको पता है वो एसी में भी वो मज़ा नहीं जो रात को छत में सोने का मज़ा रहता था। और मेहमान जब आते थे तो शादियाँ होती थी तो एक जगह गल्ले की चाबी एक जगह दी जाती थी, वो पूरा संभालते थे, वहीं लोग बनाते थे, वहीं घर के सामने एक टेंट लग के शादी हो जाती थी। एक एक महीने पहले लोग आ जाते थे। अब तो शादी में ऐसा हो गया कि अब जितना ज़्यादा आधुनिकीकरण आ रहा है कि आपको रिसेप्शनिस्ट अटेंड करने आएगी, ये रूम में आपको रुकना है, यहाँ आपको शादी करके यहीं निकल जाना है, कोई देखने भी नहीं आएगा। लेकिन उस ज़माने में एक महीने पहले से लोग आ जाते थे। तो हम लोगों ने भी वो ज़माना छोटे में देखे हैं। बहुत अद्भुत था, चमत्कारिता क्यों था, क्योंकि ये यूरिया डीएपी रसायन आए हुए 30 साल हुए हैं, उससे बहुत बड़ा काम नहीं हो जब गाँव गाँव तक पहुँचा है 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस समय अन्न कितना अच्छा खाते थे हम लोग, कितने प्रेम से बनाते थे। तो कहते जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, लोगों में प्रेम था। क्या वो 150 लोग रहते थे उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? अब बड़े बुजुर्ग की कहावत भी, लड़ते रहो झगड़ते रहो पर मिलते रहो बात करते रहो। तो इतना सब होने के बाद लोगों को प्रेम था। कैसे बच्चे बड़े हो जाते थे, आज आप किसी को बता दो कि वाले घर में 150 लोग रहते थे तो बोलेंगे क्या बता रहे हो, आज तो 2 भाई साथ में रहना बहुत बड़ी मुश्किल है। वो सबसे बड़ा रीज़न है अन्न। पहले 80 साल में भी कोई शांत होता तो बात बोलते थे बापरे कितनी जल्दी चले गए, मतलब 100 साल की उम्र मानी जाती थी आज से 30-35 साल पहले ज़्यादा भी। अब तो कोई 60 में भी चले जाए तो बोले 60 के, अब तो 40 में भी जा रहा तो लोग कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं, भी अब तो जीवन ही है। हमारी मानसिकता क्या हो चुकी है। तो अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो क्या एक टाइम की सब्जी हमारे छत या हमारे किचन गार्डन से नहीं आ सकती? बहुत आराम से आ सकती है, आप अपने घर में बना सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो खेती करते हैं जिनकी 10 एकड़ है, क्या वो 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते? जिनकी 5 एकड़ है, क्या वो आधे एकड़ में नहीं कर सकते? गोबर गौ उधारी, मैं 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ और 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, गौ उधारित खेती। इसके बारे में भी मैं आके आपको कृषि के बारे में, जो कृषि के भाई लोग आए उनको भी जानकारी दूंगा। तो हमको सबसे पहले पंचतत्व, और हमको आज मैं आपको पंचतत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी बहुत आसान शब्दों में बनाने जा रहा हूँ। और हमारे शास्त्र हमारे साक्षात ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं। तो पहले तो हमारी संस्कृति में हमें गर्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति में एक श्लोक है, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, सड़गतम खल्लु शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम, सत्व पालन कारकम, वारी वायु व्योम वाई जागतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। कि प्रकृति और मानव का रिश्ता क्या है? शाश्वत है, अमर है, एक दूसरे का पर्यायवाची, एक दूसरे पे डिपेंड है। हम सब लोग किसके बने? पंचतत्व के बने। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, आपने सुने होंगे, कोई शांत होता था बोलते पंचतत्व में विलीन हो गया। हमारे पेड़ पौधे किससे बने? हमारे पेड़ पौधे भी पंचतत्व के बने हैं। और हमारे ये प्रकृति भी किससे बनी है? पंचतत्व की बनी है। हमारे शरीर में लगभग 70-71% पानी है, हमारे पेड़ पौधों में लगभग 70-71% पानी है, हमारी धरती में लगभग 70-71% पानी है, हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, हमारे दिमाग को प्रॉपर काम करने के लिए 21% ऑक्सीजन चाहिए। मतलब हम एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अगर हम कोई चीज़ अपने शरीर पर उपयोग कर रहे हैं तो क्या हम वो अपनी धरती माता पर उपयोग कर सकते हैं? क्या हमारे पेड़ पौधों में उपयोग कर सकते हैं? और अगर हम उपयोग नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम वो चीज़ उसमें डालें। पहले के लोग जैसे काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बड़े बुजुर्गों ने जितनी एकड़ ज़मीन बना के गए होंगे, क्या आपने उसकी आधी भी बना पाए? नहीं बना पाए। हमारे दिमाग में क्या भर दिया गया कि हम लोग अनपढ़, गवार, सांप पकड़ने वाले, हम लोगों के पूर्वज कुछ थे ही नहीं, उनमें बुद्धि नहीं थी, ये चीज़ें नहीं थी। मैं अभी आपको जितनी आगे कोड करूँगा कि कैसे पूरी दुनिया हमको प्रणाम कर रही है और कैसे हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, जैसे बता ही देता हूँ, उसके बाद मैं आगे जोड़ूंगा। अभी 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हुई है सन संस्था द्वारा, गॉड पार्टिकल, सुने होंगे आप लोगों ने, सन संस्था द्वारा एक 27 किलोमीटर का एक 10 फीट चौड़ा सुरंग बनाई गई, उसके दोनों साइड चुंबक रखे गए और 2 प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से भेजा गया, और जब वो टकराया एक विस्फोट हुआ और उसमें फिर से प्रोटॉन का निर्माण हुआ जिसको गॉड पार्टिकल बोला गया। उसी लॉबी में हमारे नृत्य करते हुए शंकर जी की नटराजन मूर्ति लगी हुई है, और वहाँ पे बहुत बड़े साइंटिस्ट है फिच एलकैबरा, जिसने विजडम ऑफ अननोन विजडम और द पावर ऑफ फिजिक्स लिखे हैं, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनने लिखे नाउ द साइंस कम टू द कंक्लूजन दैट परपेचुअल कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा। मतलब कि प्रकृति का निर्माण और प्रलय किसके द्वारा हुई है? जो हमारे शंकर जी नृत्य कर रहे हैं उनसे उनको ये प्रेरणा मिली, जो जहाँ पे एक बॉस नाम के साइंटिस्ट थे इंडियन, उनने उनको ये दिए और उनने ये जब दुनिया की सबसे बड़ी खोज की तो उनको वहाँ से गॉड पार्टिकल मिला। अभी एक नई खोज हुई है स्टिंग थ्योरी, कि सब वेव्स हैं
और जब दो वेव्स की सुप्रीम पोजीशन मिलती है तो वो पार्टिकल ऑफ एनर्जी टाइप काम करने लगती है और वही पार्टिकल उसी से धरती का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ शास्त्रों में हजारों साल पहले वेदों में लिखा हुआ है कि ये पूरी सृष्टि लय से है। हमारे यहाँ गणित लय से है, हमारे यहाँ श्लोक लय से है, हमारे यहाँ आयुर्वेद लय से है। मैं आपको चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि शिव स्त्रोतम आप लिख के समझा दीजिए। आप लिख के नहीं समझा सकते, उसको बोल के समझा सकते हैं। जैसे जटा तवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाट वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम जटा कटा संभ्रमा भ्रमन निलीप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगज्वल ललाल पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। तो पृथ्वी का सृजन भी लय से है और जब हमारे शंकर जी लय से नृत्य करते तो प्रलय भी लय से है। तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही चीज बता चुके हैं। गणित श्लोक आयुर्वेद ये सब लय में है। आप गणित भी छोटे में याद करते हो कि दो दूनी चार दो दूनी छः, तो ये विज्ञान का बेस ही गणित है और ये सब हमारे पूर्वजों ने हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले दे दिए थे। अब मैं आपको पंचतत्व को बताता हूँ, पंचतत्व क्या है, कैसे काम करते हैं। देखिए हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही कैलेंडर और इसका पूरा निर्माण कर दिए थे जिसको हम पंचांग ये सब कहते हैं और उनको अंग्रेजों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, इसका मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा। तो पंचतत्व कैसे काम करते, देखिए हमारे पूर्वजों ने जैसे हमारे उसमें आपने देखे होंगे विक्रम साधन चलता है जो उज्जैन के राजा थे विक्रमदित उनके नाम से, ये हमारा हजारों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है हमारा युधिष्ठिर सावंत। कौन सा सावंत? लाखों साल पुराना। और करोड़ों साल हमारा ब्रह्म सावंत बोलते हैं, लेकिन अभी आधुनिक लोग विक्रम सावंत को सबसे उपयुक्त मानते हैं और हम अभी अंग्रेजी उससे लगभग 48 साल आ गए हैं। क्यों है? क्योंकि उनके जीजस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उनने उसको 2023 मान के रख लिए। विक्रम सावंत उससे हमारा 48 साल आ गए। अब कैसे काम करता है पहले पंचतत्व और ये कैसे उन्होंने निकाले थे आप समझिए कि देखिए चंद्रमा जो है धरती का चक्कर लगाता है 27.5 दिन में, जो हमारा पंचांग कहता है, बहुत आराम शब्दों में समझा रहा हूँ। चंद्रमा कितने दिन में चक्कर लगाता है? 27.5 दिन में, और 2.5 से 1.25 दिन तक, मतलब चंद्रमा चक्कर लगा रहा हूँ। आसमान में असंख्य क्या है? तारे हैं, और ये असंख्य तारे कुछ विशेष तारे मिलकर 12 प्रकार की आकृति बनाते हैं। कितने प्रकार की, क्या कहते हैं इसको बताइए आप लोग? राशि। बहुत बहुत बढ़िया, इसको राशि कहते हैं। जैसे आप लोगों का नाम राशि से ना, मेष सिंह धनु वृश्चिक ये सब राशि देखे ना आपने, तो जब चंद्रमा चक्कर लगा रहा है 2.5 से 1.25 दिन तक एक राशि में रह रहा है। अब जो आसंग चंद्रमा है, आप सोचिए पृथ्वी है, इसके चक्कर लग रहे हैं 27.5 दिन में और 12 राशि है इसमें, और 27.5 दिन की चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और 2.5 से 1.75 दिन तक एक राशि में रह रहा है, तो 12 राशि में रहते हुए कितना हो जाएगा वो? अगर आप 2.5 से 1.75 दिन को एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 27.5 दिन आ जाएगा। आ जाएगा? तो जब चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और मेष और धनु, मतलब राशि राशि कितनी हमारी 12, और चक्कर लगाते समय जब मेष और धनु राशि में आ रहा है तो अग्नि तत्व को प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है? अग्नि तत्व को। अगर इस समय आप अनाज की फसल लगाएंगे, गेहूं चावल दाल मूंग मक्का, तो बहुत अद्भुत होगा। फिर वो ऐसे चक्कर लगाते समय अगर भूमि तत्व को प्रभावित कर रहा है जिसमें वृश्चिक कन्या मीन आ रही है, तो उस समय ये जड़ तत्व को प्रभावित कर रहा है, मतलब जड़ वाली फसलें अच्छी होगी। जड़ वाली मतलब मूली प्याज आलू। फिर ऐसे चक्कर लगा रहा है, 3 राशि वायु तत्व में आ रही है, तो वायु तत्व में क्या होगा? पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक आपकी पत्ता गोभी जितनी भी होती है, और अगर नीर तत्व में आ रहा है तो फूल वाली फसलें बहुत अच्छी होगी। फूल में जैसे सूर्यमुखी गुलाब, मतलब सोचिए ऐसा विज्ञान जिसमें चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, आसंग तारों की जो जैसे चक्कर लगाते हैं वो जो 12 राशि के बीच में 2.5 से 1.75 दिन तक आ रहा है और उस समय उस तत्व को प्रभावित कर रहा है, तो उस समय ये दुनिया के जर्मनी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनने एक थ्योरी दी है बायोडायनेमिक फार्मिंग। कौन सी थ्योरी दी है? बायोडायनेमिक फार्मिंग, मतलब दुनिया की सबसे उत्तीर्ण खेती। उसमें दुनिया के पूरी दुनिया में जितने देश हैं, लगभग सभी देशों के अलग अलग चीज़ें ली गई, उसमें हमारे भारत की कृषि पंचांग और गौधारित खेती को लगे गए, जिसमें 80%, मतलब पूरी दुनिया की टेक्निक अलग और हमारी 80% टेक्निक वहाँ का साइंटिस्ट कह रहा है। और उनने जब ये टेक्निक दिया और उसने ये कृषि पंचांग और ये चीज़ लिया, तो उसने भी पूरी दुनिया ने हमारी भारतीय संस्कृति का लोहा माना
और परिणाम क्या, देखिए कितनी अद्भुत संस्कृति है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा खोज हुई उसमें फिच एल्केवरा हमारे उसको कोड कर रहा है, हमारे उससे पूरी चीज़ें ले रहा है, हर चीज़ हमने दिए हैं। अब जो हमारी ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज हुई है जिसमें ये चक्कर लगा के कैसे पंच तत्व काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जब अग्नि तत्व कम होगा, जैसे कब बात पे होता है हमारे शरीर में, तीन चीज होती है, अगर अग्नि तत्व कम हो गया, वायु तत्व बढ़ गया, मतलब ये पांचों तत्व का कम ज्यादा ही हमारे शरीर में कब पे और बात को बढ़ाते, और हमारे शरीर को हम जो खाते और हम जो चीजें करते उसी से हम अपने आप को बीमार करते, अलग से हवा में उड़ के कोई बीमारी नहीं आती है। अब आपने देखे होंगे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई देखे होंगे, हमारे यहाँ क्या चलता है, चैत्र वैसाख ये सब चलता है, देखे आप लोगों ने, तो आप लोग ने कभी ये देखे कि हमारा नया साल चैत्र में बनता है, देखें आपने चैत्र में, और हम लोग क्या करते हैं नए साल में केक एक नहीं काटते, हम लोग 9 दिन माता का आराधना करते हैं, 9 दिन उपास त्रास करते हैं कि नया साल आया। अब ये नया साल क्यों आया, जब पृथ्वी सूर्य का पूरे चक्कर लगाती है, साइंटिफिकली बता रहा हूं मैं आपको, जब पृथ्वी सूर्य का पूरे चक्कर लगाती है तो हमारा एक साल होता है, और चैत्र में क्या होता है, सब चीजें फिर से हरी होने लगती, चारों तरफ होती है, लोगों की फसलें कट जाती है, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है। अंग्रेजों का थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए उन्होंने क्या किए, दिसंबर में मना लिए, दिसंबर में कोई सेंस है, इतनी ठंडी रहती है, आदमी कुछ कर नहीं सकता है, वो केक काट के ड्रिंक करके या ऐसे करके अपना नया साल मनाते हैं। हाँ, उन लोगों ने सिर्फ हमारे 12 चैत्र वैसाख को कॉपी कैट की है, सिर्फ उसको कॉपी करके उसको एज इट इज लिख दिए हैं। उनने नाम कैसे दिए कि जैसे अगस्त, अगस्त राजा था बहुत बड़ा, उसके नाम से उन्होंने अगस्त कॉपी कर दी कि हमारे नाम से हमको थोड़ा सा अलग दिखाना है। उसका जूलियस सीजर था तो उन्होंने जुलाई नाम दे दिए, मतलब कॉपी। अब संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे को तो उन्होंने वो भी नहीं किए, उन्होंने जस्ट कॉपी कैट कर दिए, रविवार को सीधे क्या कर दिए संडे, सोमवार को क्या कर दिए मूनडे, मतलब उन्होंने सीधे उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए, और हमारे दिमाग में क्या डाल दिए कि जीरो की खोज तो आर्यभट्ट ने नहीं किसी और ने किया था, बल्कि हमारे शास्त्रों में हमारे उसमें हजारों साल से हर चीज का वर्णन है। तो हमने पूरी दुनिया को क्या दिए, संडे मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी, हमारी गणित तो करोड़ों साल तक की है, हमारा जो ब्रह्म साल का जो पृथ्वी का बताते हैं 2.5 अरब साल पहले, इसका पूरा हमारे शास्त्रों में उच्चारण है, धरती से सूर्य की कितनी दूरी है वो हमारे हनुमान चालीसा में मिलता, हर चीज में हमारे यहाँ साइंटिफिकली हमारे जो पूर्वज हैं उनने आध्यात्मिक तरीके से इस चीज का खोज किए थे। तो आपको हम अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। एक अंग्रेज ने कोट किया था कि संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, क्यों क्यों बोला, हम नहीं बोल रहे, दुनिया बोल रही है। अब ठीक है, हम लोग 800 से 1200 साल मुगलों से लड़ाई करते रहे, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी हमको लिए, तो इन चीजों से हमारा जीवन खराब हुआ कि मतलब ब्रिटिश सांसद लॉर्ड मैकाले ने साफ बोला था, अगर भारतीय अंग्रेजों ने जितना हमें बर्बाद किया है उतना हमको मुगलों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या बोले कि अगर इनकी इनको अपने ब्रिटिश सांसद में बोले कि अगर इनको बर्बाद करना है तो इनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हमला करना पड़ेगा, और उन्हें हमारे पूरे गुरुकुल बंद करा दिए। मुगलों ने हमारे गुरुकुल बंद नहीं कराए थे, जब तक हम मुगल हमको छोड़ के अगर अंग्रेज आए, मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ, जो कोड लिखा है उसके बारे में बता रहा हूँ, पूरी दुनिया से हमारा 24 से 27% जीडीपी थी, जैसे आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी जीडीपी 21% कुछ है, 21 पॉइंट लगभग, हम 24 से 27% मुगलों से लड़ाई करते हुए कुछ जगह उनका राज भी था, हम उनको पूरी तरीके से कैद नहीं हुए थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप सब उनसे जंग लड़ रहे थे, पूरी तरीके से उन्होंने हमको कैप्चर नहीं किया था, और हमारे उसके जहाँ जहाँ उनका शासन हो रहा था उनने भी वहाँ संधि किए थे, अंग्रेजों ने हमें बर्बाद किया। तो हमारी 24 से 27% जीडीपी थी, मतलब उस लड़ाई के तौर पे भी उस मुगल लोगों ने कई जगह हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, उस समय भी हमारी जीडीपी 24 से 27% थी, क्योंकि हमारे पूर्वज पूरी दुनिया को गेहूं चावल दाल उगा के देते थे और उसकी जगह लोग हमें सोना चांदी देके जाते थे। हमारी प्रकृति खेती अपने आप में अद्भुत थी, सर्वश्रेष्ठ थी, हमारे पूर्वज जबरदस्त थे। जब लोग अंग्रेज आए तो ये सब चीज़ें आई। इसमें एक चीज़ और डालूंगा कि अंग्रेजों ने हमें और थोड़ा सा कैसे बर्बाद किए, 1901 में ब्रिटिश सेंसस में एक ला आया, उसमें 2014 जातियाँ आई, कितनी जातियाँ आई 2014, अल्फाबेटिकल नहीं आई, वो उनने अपने हिसाब से लिख दिया कि तेली बड़ा कि नाई बड़ा, धोबी बड़ा कि बड़ई बड़ा, उनने अपने हिसाब से कर दिए, और 1917 में फिर उनने ब्रिटिश उसमें 4014 जातियाँ लाए। हमारे यहाँ तो गीता में लिखा है कि कर्म के आधार पर
कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, बाकी जाति व्यवस्था तो फिर इन लोगों ने हमको फूट, अंग्रेजों ने फूट डाल के राज करो उस तरीके से सब चीज़ लाए। इसलिए हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ, हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन समय के हिसाब से सब चीज़ें आई हैं। लेकिन अब यही अध्यात्म और शक्ति से, और जब हमारे जिसने अपनी गीता पढ़ लिया, ये समझ लीजिए कि उसको जीवन का बहुत बड़ा अध्यात्मिक ज्ञान आ गया। गीता हमारे आप में सर्वश्रेष्ठ है। स्तंग हृदय जिसने पढ़ लिया वो अपने आप एक आयुर्वेद डॉक्टर बन गया। हमारे घर में जैसे नानी माँ के नुस्खे नहीं चलते थे, तो स्तंग हृदय अपने आप में चमत्कार, जो हमारे भागवत ऋषि द्वारा लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जो सर्जरी सेंटर में सुश्रुत ऋषि की मूर्ति बनी हुई है, उनसे उनको प्रेरणा मिली है। तो ये सच्चाई है जो अब हमें हमारी चेतना को हमको जागरण करके समझना पड़ेगा। एक और बुक में बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी कि भारत क्या है, भारत क्या है, भारत क्या एक ज्योग्राफिकल एंटिटी या संरचना है? नहीं, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज़्यादा सब्सटेंस है। तो क्या ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक संरचना है? बोले नहीं, ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल एंटिटी नहीं है, उससे भी सूक्ष्म है। तो क्या सांस्कृतिक रचना है, संरचना है? तो बोले नहीं, उससे भी सूक्ष्म है। तो बोले क्या धार्मिक है? तो बोले नहीं, धार्मिक नहीं, उससे भी सूक्ष्म है। अब बोले उससे भी सूक्ष्म क्या है? आध्यात्मिक है। बोले नहीं, इससे भी सूक्ष्म है। बोले इससे सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनने लिखे कि जैसे दो न्यूक्लियस या दो हीलियम, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और सूर्य का निर्माण होता है, प्रचंड विस्फोट होता है जिसकी ऊर्जा चारों तरफ विद्यमान हो जाती है, वैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा का परमात्मा से मिलन करके, फ्यूजन करके एक बहुत बड़ा विस्फोट किया और वो चारों तरफ विद्यमान हो गया। तो ये हमारा भारत है। हमारे भारत में अध्यात्म की इतनी बड़ी शक्ति, इतनी ऋषि मुनियों की इतनी बड़ी चेतना का प्रकृतिकरण है जिसको हम जान सकते हैं, जो हमारे हमारे अंदर स्व की भावना हमारे अंदर शुरू से है, जिसको एक कविता के द्वारा मैं आपके बोलना चाहूँगा कि हिमालय के आंगन में प्रथम, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया ही रखा। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्युत्तम पुज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति उठी अशोक। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें जो स्वतत्व की भावना है वो हमारे डीएनए में। जैसे आप देखेंगे आज दुनिया में अमेरिका से लेके जितने भी बड़े सीईओ हैं वो पूरे भारतीय ही हैं, 80% डोमिनेशन है पूरी दुनिया में। ये हमारे डीएनए में है, ये हमारी अध्यात्म की शक्ति है। हम जब, मैं जैन हूँ, जब मैं गुरुदेव के सामने स्वाध्याय में बैठता हूँ तो बोलते हैं कि अध्यात्म की पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई है। ये तो आप रटा रटाए पढ़ रहे हो जितने भी बड़े आप पोस्ट में, जो भी सबसे बड़ी शक्ति अध्यात्म, यही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और इसलिए इस अध्यात्म के पीछे ही पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। तो इसको हमको समझने की जरूरत है कि अपने अपने अद्भुत है, चमत्कारिक है। आज की डेट में क्या हो गया है कि एक और श्लोक से आपको बोलना चाहूंगा, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का ये भी ले, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का ये भी ले, विकृति को हम ग्रहण करते बीच प्रकृति को हम आज भूले। मतलब लोगों की अच्छी वेशवाणी, अच्छी भावनाओं को हम ले, लेकिन हम लोग क्या करते, विकृति को ग्रहण कर रहे हैं कि किसी ने मोबाइल खेल रहा है तो हम भी मोबाइल, कोई गेम में लग गया तो गेम में लग गया, कोई गलत चीजें कर रहा था हमको उसकी जल्दी, बहुत जल्दी, जो रावण है। और निज प्रकृति जो हमारे अंदर कि मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं स्वच्छ आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, हम इस सब चीजों को भूल चुके हैं। एक छोटे से बच्चे में कहते हैं ना भगवान का रूप होता है, हम आज भी भगवान का ही रूप है, लेकिन हमने रावण को अपने ऊपर हावी कर लिए। तो इस अध्यात्म को भी हमको समझना पड़ेगा और इससे हम भारत को विश्व गुरु तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमारा सबसे बड़ा बल है। और इसमें जो अग्निहोत्र है ये अपने आप में अलौकिक चमत्कार है जिसको हर किसी को अपने घर सुबह शाम करना चाहिए। और भावनाओं से, बार बार फिर से मैं कहूँगा, संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि, साइंटिफिकली भी, आध्यात्मिक तौर पर भी, वैज्ञानिक तौर पर भी, हर तरीके से अग्निहोत्र अपने आप में चमत्कार है, ऊर्जा का एक अनोखी शक्ति है। और ऊर्जा से हमारे शरीर में सब, जैसे आप कभी गुस्सा करते होंगे, आपने देखे होंगे आपने गुस्सा किया, दो मिनट का गुस्सा किया, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा लगता है किसी ने पूरा रस खून निकाल लिया हो। दो मिनट के गुस्से से हम कितना जीवन को खराब कर लेते हैं। तो हमको इसको समझना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा प्रकृति खेती में आता हूँ कि कैसे हम 10 लीटर गोबर और गौमूत्र से 1 एकड़ खेती कर सकते हैं। गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है, जिनकी पूछ में हनुमान जी का वास है, जिनकी एक आंख में चंद्र देवता, एक आंख में सूर्य देवता है, जिनकी सूर्य केतु नाड़ी है। सूर्य केतु नाड़ी मतलब जो ऐसा डील देखे होंगे ना ऊपर हाव उठा हुआ, ये सूर्य की शक्ति, जो सबसे बड़ी ऊर्जा की शक्ति खींच के अपने गोबर, गौमूत्र और दूध में देता है। गौ माता का अगर किसी को नजर लग गई तो पूछ आप माथे में लगा लीजिए संकल्प के साथ। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आपकी
कितनी भी भला बदतर हो ठीक हो जाएगी। आप जन्मदिन के दिन किसी दिन गौ माता को अब हाथ से गुड़ खिला दीजिए, उन्होंने अगर आपकी हाथ की रेखा चाट लिए तो आपके हाथ की रेखा बदल जाएगी। लेकिन कर्म जरूरी है सबसे ज़्यादा, लेकिन कहते हैं ना जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता, उसके साथ एक विश्वास से हमारे हाथों की रेखा चेंज हो सकती है। गौ माता के आप कभी गर्दन के ऊपर ऐसे हाथ फेरना तो गौ माता ऊपर कर लेती है। कहते हैं जब शंकर जी ने विष पिया, एक कहानी है कि शंकर जी ने जब विष पिया तो एक बूंद गिर गई, वो गौ माता ने पी ली, नंदी ने पी लिया, तो उन्होंने उनके गर्दन में हाथ रखे तो वहीं उनको विष को रोक दिए। इसलिए आप गौ माता के गर्दन में कभी भी हाथ फेरेंगे तो उनका हाथ ऐसे ऊपर हो जाएगा। मतलब हमारी तीन माता है, एक धरती माता जो अन्नपूर्णा माता, एक दूसरी हमारी गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है, और तीसरी हमारी माता। लेकिन आज हमने क्या किए, धरती का शोषण करने लगे, बल्कि हमारा शोषण दोहन का काम था और दोहन में भी जितनी जरूरत है उतना करते थे। दूसरा हमारी गौ माता जो आज कृषि से हमने जैसे ही हटाया तो आज कितना बुरा हाल हो गया, और हम खुद भुगत रहे हैं कि हम खुद जहर खा रहे हैं, और तीसरी हमारी माता उनको भी हम जहर दे रहे हैं, तो वो तीनों माता आज हमारी दुखी है। तो अपनी भारतीय संस्कृति में हमें गर्व करना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है, सनातन है, सबसे पुरानी है, जीवन के निर्माण से लेकर हर चीज़ की उसमें शक्ति है, तो उसको आपको प्राउड फील करना पड़ेगा। और उसके अलावा जब ये तीनों माता को हम खुश रखेंगे तो ही हम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो गोबर, अब गोबर का मैं आपको कैसे 10 लीटर गोबर और गौमूत्र काम करता है, तो थोड़ा सा मैं गोबर की शक्तियों के बारे में आपको वैज्ञानिक तत्व बताना चाहता हूँ कि गोबर में क्रूड फाइबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रूड फाइबर। फाइबर क्या काम करता है, अगर हम सब्जियाँ या एप्पल नहीं खाएंगे तो उसके भविष्य अगर हमारे पेट में जाएंगे तो हम पाचन क्रिया हमारी नहीं चल सकती। मतलब हमारी पाचन क्रिया किससे सही होगी, गोबर से सही होगी, मतलब फाइबर से कम होगी। और हमारी धरती माता भी हमारी माँ है, हम में उन्होंने कोई फर्क नहीं। मैं बार बार कहूँगा जो मैं आपको श्लोक बताया था कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, कि हमारी धरती माता में भी हमको क्रूड फाइबर अगर देंगे तो हमारी धरती माता की पाचन क्रिया क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, इसमें क्रूड प्रोटीन होता है। क्या होता है, क्रूड प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब आप समझते होंगे, जो यंग लड़के हैं वो तो प्रोटीन से बॉडी बनती है या हमारी मसल्स मजबूत होती है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में क्रूड प्रोटीन होता है। जब हम इसको हम अपनी धरती माता को देंगे तो हमारी धरती माता शक्तिशाली होगी। फिर इसमें सेलुलोज और हेमिसेलुलोज पाया जाता है, एक तरीके से हम वसा और ग्लूकोज मान सकते हैं, कि जैसे हमको चक्कर आ रहे हैं हम नमक के उसका पानी पी लें, ग्लूकोज पी लें तो हमको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, तो वो इसमें रहता है। और अगर हम कुछ दिन खाए भी नहीं हमारी चर्बी उसका वो काम करती, तो उसमें ये सब पाया जाता है। हमारी धरती को उपजाऊ बनाने के लिए 18 तरीके के मुख्य स्रोत चाहिए हमारे। उसमें साइंटिफिक तौर के हिसाब से वो लोग कहते हैं 24 तत्व पाए जाते हैं, मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, लेकिन चलिए वो 24 बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, ये सब पाया जाता है हमारे गोबर में। और हमारे कहते हैं 1 ग्राम गोबर में साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है देसी गौ माता के गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, 30 करोड़ जीवाणु। अब जीवाणु क्या काम करते हैं, जीव, हमारे शास्त्रों में लिखा है जीवो जीवश जीवनम, कि जीव द्वारा ही जीवन संभव है। हमारे शरीर में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे पूरे शरीर में पानी शायद 70-71% है, लेकिन हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव लगभग 96% है। कितने हैं, मतलब आप पूरे शरीर को जब आप सूक्ष्म से देखेंगे, हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म जीव हैं जो खाना पचाने का काम कर रहे हैं, ब्लड को इधर से उधर ले जाने का, मतलब पूरा काम ही हमारे सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। तो हमारी धरती को भी सूक्ष्म जीव से ही पोषण मिल सकता है। सूक्ष्म जीव कैसे काम करेंगे, जब सूक्ष्म में हमारे जमीन में रहेंगे तो जीवो जीव जीवस्नम को चरितार्थ करके वातावरण से जितने भी उनको पोषण चाहिए, हमारे वातावरण में जैसे 78.6% नाइट्रोजन है उनका मुख्य खाना, वो उसको ऐसे खींचते हैं और अपने शरीर को देते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोसिलिकस, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, मतलब पूरे तरीके के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और जब ये नाइट्रोजन और ये सूक्ष्म जीवाणु आपस में मिलते हैं तो पादप वृद्धि कारक हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स का करते हैं। हमारा शरीर जो बढ़ता है सब कुछ होता है हार्मोन्स के कारण होता है। तो इसमें जो प्लांट में मुख्य जो 4 तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं ये पूरे हमारे गोबर में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिड, साइटोकानीन जो पूरे व्रत करने का लगता है, ऑक्सीजन इसका मुख है। मतलब हमारा गोबर एक कंप्लीट फूड है हमारे पेड़ पौधे के लिए। और गौमूत्र तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्सिफाई, शरीर को शुद्ध करने वाला, जिसको गौमूत्र कहते हैं, जो साक्षात अपने आप में चमत्कार है, जिसमें साइंटिफिकली बोला जाता है कि 96% पानी है, जो मैं गलत मानता हूँ, और उसमें 97% पानी है, और जो 2.5 से 3% उसमें 2.5% नाइट्रोजन है उसमें अमोनिया के फॉर्म में, और बाकी आयरन, जिंक,
फॉस्फोरस ये सब पाया जाता है उसमें। तो गौमूत्र और गोबर को जब हम उपयोग करते हैं तो इसमें जीवो जीवज जीवनम को सजदात करके एक टंकी में हम 10 लीटर गोबर 10 लीटर गौमूत्र और इसको जब हम मीठा खाते हैं तो मोटे ताजे जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु इसमें अगर हम मिलाते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु मिलाने के लिए बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुड़ डालना पड़ेगा। इसके बाद एक चीज़ और हम डाल सकते हैं, कोई भी जैसे बड़ा पेड़ हो जो 50 साल पुराना मतलब पीपल का, बरगद का, आम का, नीम का, इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। जब ऑक्सीजन का प्रवाह होता है तो वहाँ जो नीचे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं। उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम जो वातावरण से नाइट्रोजन खींचते हैं, माइक्रो राजा जो जमीन से 20 फीट नीचे पानी ऊपर दे के आते हैं जो अपने आप में शक्तिशाली है, ट्राइकोडर्मा इस तरीके के जो उसको रोग से भी बचाते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे हम जहाँ सिवनी में रहते हैं वो वनवासी बेल्ट है, वहाँ हमारे वनवासी भाई रहते हैं, वहाँ हमने देखे कि जब हम घने जंगल या खेत में जाते हैं तो मई के महीने में दोपहर के 12 बजे वहाँ के बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रकृति माँ है, प्रकृति में उतनी ताकत रहती है कि हम प्रकृति के जितने पास रहेंगे प्रकृति हमको उतना ताकतवर बना देगी। हमारा बच्चा अगर एसी में रहता तुरंत अगर मई की में हल्का सा भी 10 मिनट भी निकल जाए तो उसको लू लग जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु उस पेड़ के नीचे जो हमारी जमीन हमारा जहाँ भी खेत है वहाँ से 10-20 किलोमीटर भी अंदर है तो वो देसी जीवाणु है, वो इतने ताकतवर होंगे कि वो कभी मरेंगे नहीं। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा कि जब वो एक मुट्ठी मिट्टी हम डालते हैं और पानी डाल लेंगे तो हमें और मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, और उस 10 लीटर गोबर गौमूत्र से हम 1 एकड़ की संपूर्ण खेती कर सकते हैं जो हमारी गौ माता हमारे पास है। अब दूसरी चीज़ है कि गोबर को खाना कैसे बनाया जाए। अगर हमको कोई एकदम बासी खाना या अलग टाइप से खाना दे देंगे तो क्या हम ग्रहण कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाई लोग कौन कौन है, थोड़ा सा हाथ उठाइए एक बार। हाँ, जैसे आप लोग हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि सूक्ष्म जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल मतलब वो धूप सहन नहीं कर सकते। क्या सहन नहीं कर सकते, धूप सहन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे 1 एकड़ के लिए सिर्फ 500 किलो गोबर चाहिए। कितना चाहिए, लेकिन अगर हम सही तरीके से 500 किलो गोबर लेंगे और उसको अगर सही तरीके से मैं आपको पद्धति बता रहा हूँ उससे आप करेंगे तो आपको पैदावार भी अद्भुत मिलेगी, चमत्कारिक मिलेगी, जो आप सोच नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी हमारी गौ माता एक दिन में 10 लीटर गोबर गौमूत्र त्यागती है उसको हमको इकट्ठा करना है और गोबर को हमको छाँव में रखना है, चाहे ऐसे शेड में रख दीजिए, चाहे 4-5 बांस लगा के आप कपड़ा लगा दीजिए और उस गोबर को रख के जब हमारा गोबर इकट्ठा हो जाए तो हम 10 लीटर गोबर गौमूत्र से ये जो घोल बना रहे हैं उसमें जैसे 500 किलो है तो उसमें 50 लीटर उसको हमको स्प्रे कर देना है, वो करोड़ों जीवाणु उसको खाने लगेंगे और जब करोड़ों जीवाणु खिलाएंगे अगले हफ्ते फिर उसको पलटा के आपको ये घोल डाल देना है। ऐसे 7, 14, 21 3 बार करना है। 28वें दिन में आपकी जैसे पहली प्रसाद में सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है वैसी जीवाणु खाद बन जाएगी। इस खाद को जैसे हमारे आज घर के सामने यूरिया डीपी के बोरे भरे रहते हैं, इस खाद को भर के आप अपने घर के अंदर छांव में रख लीजिए, 1 साल तक ये खराब नहीं होती। और प्रति एकड़ आप 500 किलो इसको डालिए और अपनी फसल की बोनी कर दीजिए। शुरुआत में 500 किलो और रखिए 1 एकड़ के लिए कि जहाँ जहाँ हमारी फसल कमजोर है वहाँ इसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। अद्भुत फसल होगी, ज़बरदस्त फसल होगी। और देसी बीज रखिए। देसी बीज कहते हैं कि जैसे हम लोग देसी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं कितने शक्तिशाली हैं। अभी हम लोग बीजों का उपयोग क्या करते हैं, हाइब्रिड बीज लाते हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे कोई भाई साहब इन्हें अमेरिका में शादी कर ली है तो इनके जो बच्चे होंगे क्या वो यहाँ सर्वाइव इतने अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यही हाइब्रिड बीज का काम है। लेकिन अगर हमारी लोकल या आसपास की भारत के क्षेत्र में शादी हो तो हमारे बच्चे बस बलपूर्वक और शक्तिशाली होंगे। तो हमें देसी बीज का उपयोग करना चाहिए। देसी बीज में जैसे अभी दीपक भाई साहब हमारे साथ है, जैसे हमारे कहते हैं ना 7 जन्म होते हैं, आपने सुने होंगे, वैसे ही बीजों के 7 जन्म होते हैं। अगर चयनित प्रणाली से हमारे पूर्वज लोग, ये मार्केट अभी 30 साल से बना है, पहले बीज खरीदते नहीं थे, पहले बीज घर में बनाते थे, चयनित प्रणाली से बनाते थे। चयनित प्रणाली मतलब इतनी जगह बीज लगा है, हमारा फसल लगी जहाँ बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी फसल सबसे अच्छी हुई है, उसको हम काट के अलग रख लेते थे और फिर अगले साल उसी बीज का उपयोग करते थे और उसको अग्निहोत्री राख में दबा के रखते थे शक्तिशाली। फिर ऐसे 7 साल तक अगर जब लगाते थे तो जब 7वें साल जो बीज उपयोग होता था वो हाइब्रिड से भी ज़्यादा उत्पादन देगा, अपने आप में चमत्कारिक होगा। उसने हजारों साल तक आंधी तूफान पानी धूप सब कुछ सहन किया, क्योंकि जब एक पौधा जन्म लेता है
और हरा होकर जब सूखता है तो वो बुजुर्ग हो जाता है, और फिर जब दाने छोड़ता है वो उसके बच्चे होते हैं, तो उनको अपने अनुवांशिक शक्ति दे के जाता है। तो इस तरीके से बीज, अभी हम लोगों ने दीपक भी इधर आइए, हमने तुअर की दाल बनाए, 5 साल तक पेड़ देता है। भाई साहब बताएंगे, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे को मार्गदर्शक भी हैं, तो थोड़ा सा ही आप उसके बारे में बताइए, फिर मैं आगे आपको और जानकारी दूंगा। आप सभी को नमस्ते। और हमने तुअर लगाई है, तुअर की हाइट आप सुनेंगे लगभग 13 फीट की हाइट है उसकी। इसका हमने एक वीडियो बनाया है मालवी जी की पाठशाला में, यूट्यूब में है इसका। तो 13 फीट का लगभग पौधा है वो, उसको पेड़ ही बोल सकते, तो पूरा 15 एकड़ में लगा है, जिसका प्रति अगर हम एक पौधे का हम गिनते हैं तो लगभग हमें 3.5 से 5 किलो सूखा फल प्राप्त हुआ है। अलग अलग पौधे तो हमने औसत पकड़ा है 3 किलो सूखा फल प्राप्त हुआ है हमें। तो 1 एकड़ में हमारा जो पौधे लगे थे 4x4 पर लगा था, बैट पर लगाए हमने, 2722 पौधे हुए थे, जिसमें से भी कोई पौधे मर जाते हैं बीच में या नहीं हो पाते हैं, तो लगभग 222 पौधे खराब हो गए, तो लगभग 2500 पौधे बनते हैं। मल्टीप्लाई आप 3 कर लिए, 75 घंटों का रिकॉर्ड है हमारा। ये रिकॉर्ड हमारा यूट्यूब में है, और ये हमने यूट्यूब में रखा हुआ है, और दोबारा फिर से हमने और लगाया है। अमेरिका जी आई थी वहाँ पर हमारे गेट पे, वहाँ भी लगाया हुआ है। लगभग हमारे भी 7 फीट का पेड़ हो गया, 7 से 8 फीट का हो गया, फिर से लगाया उसका। और इसके बाद मक्का लगाया है, मक्का बोलते हैं कि मक्का जो होता है वो जैविक होता नहीं, प्राकृतिक होता नहीं है। तो इस बार हमने जो मक्का लगाया है वही 15 एकड़ में लगाया है, लगभग 12 फीट की हाइट हुई है। और अभी तक जो हाइब्रिड में भुट्टे आते हैं, 1 आता है 2 आता, हमारे इसमें 3 है। मेरे पास सारा वीडियो लाया है, मैंने बना के लाया, आपको दिखा सकते हैं। तो ये प्रकृति का कमाल है, अग्निहोत्र का कमाल है, ये हमारे पास विशेषता है इसकी, जैविक खेती की। जी धन्यवाद भैया। तो एक पौधे में 2.5 से 4 किलो तक सूखा फल निकल सकता है। मतलब पहले के ज़माने में जो पूर्वज लोग थे वो घर के पीछे एक ऐसा ये वाले पेड़ लगाते थे, और साल भर उस एक अकेले पेड़ से दाल खाते थे, जिसको बड़ी तुअर कहते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। अब जैसे धान हो गई, हमारे यहाँ आज से 40 साल पहले पूरे भारत देश में 1 लाख वेराइटी थी। कितनी वेराइटी थी? 1 लाख वेराइटी थी धान की। आज अगर हाइब्रिड को काट दिया जाए तो 600 वेराइटी नहीं बची। जैसे हमारे यहाँ सिवनी क्षेत्र में चिन्नौर और जीरा शंकर है, 2 धान है। चिन्नौर ऐसा धान है जो राष्ट्रपति भवन तक जाता है, एमपी का पहला धान है जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको आप खाली के पेट भर जाएगा आपकी आत्मा नहीं भरेगी। दूसरा है जीरा शंकर, मोती के दाने के जैसा। आप एक बार चावल यहाँ चावल बनाएंगे 300 मीटर तक खुशबू आएगी। हाइट अच्छी रहती है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि ये सिर्फ गोबर और प्राकृतिक तरीके से पक सकता है। आप अगर उसके तरीके से जाएंगे तो उसका स्वाद भी गिर जाएगा, इसकी प्रोडक्शन भी गिर जाएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। और इसको अगर हम अभी हम धीरे धीरे इसको प्रमोट कर रहे हैं, 3 साल हुए, 7 साल बाद हमको लगता है अभी हम इसका प्रोडक्शन 10 से 12 कुंटल तक ले रहे हैं। हमको आने वाले समय में उम्मीद है कि 18 कुंटल तक जा सकता है। इसकी दिन थोड़े ज़्यादा रहते हैं, 145 दिन तक। लेकिन ये धान गवर्नमेंट द्वारा 120 रुपये किलो में खरीदी जा रही है। कितने रुपये में? चावल और धान 5 से 6 हज़ार, और इसका स्वाद अमृत जैसा है। लेकिन हम वो दुनिया भर का रसायन डाल के ऐसा धान लगा रहे हैं जो हमारे जानवर भी नहीं खाए। गेहूँ, हमारे यहाँ पुरातन लोकमल गेहूँ था, जिसको बंसी, ग्वाला, खपली, सोना मोती, अभी मैंने दीदी को सोना मोती गेहूँ दी हूँ, मोती के दाने के जैसा। 12 तक का अभी तक मैंने उसका एवरेज ला चुका हूँ, 18 इंच में लगाता हूँ, 40 किलो 1 एकड़ में लगता है। दुनिया का एकमात्र गेहूँ जिसको खाने से खून भरता है। और सबसे बड़ी मुझे कोई भी चीज़ का अगर रिजल्ट देने वाली तो मेरी श्रीमती जी या मेरे यहाँ मम्मी देती हैं, कि मैं कोई भी चीज़ उगाता हूँ तो पहले घर में देता हूँ टेस्टिंग के लिए। अगर अच्छी नहीं होगी तो तुरंत बोलेगी इसको फेंको, नहीं चाहिए, और जिसको अच्छी होगी वो ग्रहण कर लेगी। फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि चीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो अभी सोना मोती गेहूँ सबसे अच्छा लगा उन्हें दुनिया में। आपने अभी मिलेट सुन रहे होंगे, मिलेट्स है, लेकिन मिलेट्स की एक सच्चाई कि हम 12 महीने नहीं खा सकते इसको, समय समय के हिसाब से इसको हम खा सकते हैं। मिलेट्स में भी जो फॉलिक एसिड पाया जाता है, मतलब जिसको खाने से खून भरता है, फॉलिक एसिड जिसको आप बोलेंगे कि एक तरीके से प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड की दवाई गोली दी जाती है, ये हमारे शरीर का डीएनए स्ट्रक्चर सुधारता है। ये दुनिया में जितनी भी अनाज है, मिलेट्स को भी छोड़िए, मिलेट्स में काफ़ी अच्छा पाया जाता है, उससे भी सबसे ज़्यादा इस सोना मोती गेहूँ में। लो ग्लाइमस इंडेक्स है, मतलब जिससे हम मोटा नहीं होंगे, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। लो ग्लूटेन है, मतलब इसमें चिपचिपापन कम है।
आयुर्वेद में बोला गया है कि 99% बीमारी हमारे किससे होती है, पेट से होती है। क्यों? क्योंकि हम ये गेहूं चिपचिपा होता है, जब हम गेहूं खाते हैं तो हमारी हथेली में चिपक जाता है, कई दिनों तक सड़ता है और उससे हमारे को पूरे रोग होते हैं, मतलब हर तरीके के रोग हमारे पेट से होते हैं 99% लगभग, हमारा आयुर्वेद जो कहता है। उसमें गेहूं जो अभी हाइब्रिड गेहूं हम जो खा रहे हैं, इससे सही में जहर है, रिसर्च जो हुई है कि गेहूं जहर होता है। और हमारे उसमें बोला कि गेहूं हमारे अमेरिका या मैक्सिको से आया था, अरे 5000 साल पुराना हमारा मोहनजोदड़ो सभ्यता का गेहूं हमारे पास है, तो गेहूं भी सब हमारे यहाँ से आया था, इन लोगों के यहाँ से सड़ा गेहूं आया था, और वो भी चूंकि हमारे यहाँ भारत आज़ाद हुआ था, हमारे यहाँ चाइना और पाकिस्तान ने वो कर दिया था, उस समय हमारी स्थिति खराब थी, इसलिए हमें मजबूरी में बुलाना पड़ा था, नहीं तो हमारी कृषि बहुत अच्छी थी, अंग्रेजों के द्वारा कुछ बिगाड़ी गई, कुछ इन परिस्थिति ऐसी आई जिससे हमको तकलीफ हुई, तो हम गेहूं भी हमारे भारत का ही है, लेकिन हमने हमारे पुराने गेहूं देसी गेहूं को छोड़ दिए। इनका रेट भी बहुत अच्छा है, सोना मोती गेहूं आपको यकीन नहीं होगा, श्री श्री रविशंकर जी 150 रुपये किलो तक बेचते हैं, और मेरे यहाँ मेरी श्रीमती जी को खून की कमी रहती थी, 2 साल से वो खा रही हैं, इस बार जब उनका ब्लड बहुत दिन बाद चेक कराए, उनका ब्लड 12.something रहा, मतलब मैडम भी आश्चर्य बोली कि तुम्हारा, मैं 2 साल पहले लगातार 2-3 बार चेक की तो ब्लड इतना कम था, उनका ब्लड इतना अच्छा आया। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारे पुराने गेहूं चावल दाल संकर मक्का जो बीज होते थे पुराने, अगर हमने इसको फिर से सहज लिए तो खुद का बीज, खुद की खाद, उर्जत मिट्टी, उत्तम स्वास्थ्य, ये अद्भुत हमें चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किए हैं, हम ये सब चीज़ों को भूल चुके हैं, हमको प्रकृति की खेती की तरफ फिर से आना पड़ेगा। प्रकृति खेती में पानी भी बहुत कम लगता है, और जो हमारे आसपास के भाई लोग हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि आप लोग शुरुआत कीजिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा उगाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाला समय जो विश्व गुरु की तरफ हम जो अग्रसर हैं, और विश्व गुरु जो हम पहले भी जो अनाज के कारण बहुत बड़ी हमारी GDP थी, जो अभी बहुत डाउन हो गई, आज से 30 साल पहले भी हमारी GDP में कृषि बहुत ऊपर थी, अब धीरे धीरे, लेकिन आने वाले समय में हम जो विश्व गुरु बनेंगे उसमें अनाज ऐसा होगा कि हमारे भारत का उगाया हुआ अनाज पूरी दुनिया हाथ जोड़ के मंगेगी, और किसान भाइयों को जिस रेट में चाहिए उस रेट में वो बेचेगा, क्योंकि आदमी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन खाना नहीं छोड़ सकता, खाना और पानी, और उसको अगर हम प्राकृतिक तरीके से पूर्वजों के जैसे उगाएंगे तो हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती जाएगी और हमारी कृषि उत्तीर्ण होती जाएगी। तो हमको इसकी तरफ जाना है, और साथ में हमें हमारी संस्कृति में गर्व करना है, हम सब को हिंदुत्व की भावना हमारे अंदर रहना चाहिए। एक कविता के द्वारा मैं थोड़ा बोलूँगा, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूँ दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूँ, सन्यासी हूँ पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ। सूल भरे कंथक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। हिंदू है हिंदुत्व कह दीजिए कि प्लैंकर हूँ महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। इसलिए हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमारा सर्वश्रेष्ठ हमारी संस्कृति, और हमें इस पे अभिमान तो नहीं बोलूंगा लेकिन इस पे गर्व होगा तो ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। कोई को सवाल पूछा, हाँ आप किचन गार्डन का मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किचन गार्डन का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे घर से जितनी भी सब्जियाँ और ये सब चीज़ें निकलती हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमको एक 2 टंकी लेना है, और 2 टंकी में प्लास्टिक की टंकी हमको लेना है, हम छत में या हमारे छज्जे में जहाँ भी हमारे यहाँ छाव हो वहाँ हम रख सकते हैं, और उसमें ड्रिल मशीन आती है उससे अच्छे सारे छेद करने, पतले 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 चारों तरफ, मतलब ऐसे 25-30 छेद कर दीजिए, और उसमें क्या कीजिए, आप जो भी जैसे आपका सब्जी का छिलके निकल रहे हैं, जो भी किचन का वेस्ट निकल रहा है, पन्नी को छोड़ के कागज को भी उपयोग कर सकते हैं आप, उसको उसमें आप डालिए, और हमारे घर में आप देखे होंगे छाछ मही बटर मिल्क जो भी आप लोग कहते हैं, जब आपका 2-3 दिन का हो जाए तो उसमें छाछ डाल दिए, और छाछ के साथ थोड़ा सा गुड़ डाल दिए उसमें साथ में, या छाछ में गुड़ मिला के उसमें डाल दिए, फिर उसमें आपने ही वेस्टेड डालते गए, और जब आपका वो भर जाए तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि हमको सड़ाना नहीं है, हवा में उसको जीवाणु द्वारा जीवन द्वारा उसको आप ऐसे हिलाते जाइए, और जब तक वो भर जाए तो दूसरा टब तैयार रखिए। आप देखेंगे कि जब आपने हर 15 दिन में 1 लीटर छाछ डाले उसमें गुड़ वाली, थोड़ा सा गुड़ मिला के,
पांच लेयर आपने उसकी मिलाए और तीन महीने बाद वो एकदम भुरभुरी काली खाद बन जाएगी, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और उस खाद में ना बास आएगी, ना आपको ज़्यादा दिक्कत जाएगी, बस उसको छाँव में रखना, छाँव में नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। और फिर उसी खाद को आप अपने पेड़ पौधों में लगा दीजिए, इतनी अच्छी आपको उत्पत्ति मिलेगी। और उसमें अगर जैसे रस चूसक कीट या इल्लियाँ हो रही है, देखिए इसको भी थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेंगे कि अगर हमारे उसमें आयरन की कमी होगी तो इल्लियाँ होगी, कैल्शियम की कमी होगी तो रस चूसक कीट होंगे, सल्फर की कमी होगी तो फफूंद होगा, और सूक्ष्म जीवाणुओं की कमी होगी तो फंगस होगा, सॉरी वायरस होगा, वायरल बीमारी होगी उसको। तो इन चीज़ों की कमी के लिए जैसे हम आपके शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि मेथी का दाना जो होता है, मेथी का दाना हमने 2 चम्मच 2 लीटर पानी में डाले और 24 घंटे उसको छोड़ दिए, उसका कलर सोने के जैसा हो जाएगा। और उसको उसमें आयरन की और मिनरल्स की अद्भुत मात्रा होती है, उसको आप अपने पेड़ पौधे में स्प्रे कर दीजिए, 2 चम्मच 10 पैसे का 20 पैसे का आएगा। और जिसको खून की कमी है या शरीर में झुंझुनाहट होती है, वो रात को मेथी की 1 या 1.5 चम्मच पानी में डुबो दे और सुबह उठते झूठे मुँह, रात को ब्रश करके सुबह छोटे झूठे मुँह, क्योंकि हमारे उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसको पी ले और उसके दाने को जिसको चबाते बनता है वो चबा ले, जो चबा नहीं सकता उसको अलग कर दे और जो चबा सकता है उसको चबा के खा ले। तो आपको खून की कमी नहीं होगी, मिनरल्स की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। और जो मैंने आपको धोवन का पानी बताया अग्निहोत्र वाला, उसका अगर आप उपयोग करें तो आपको कमजोरियाँ कम ऊर्जा की तो कभी कमी हो ही नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूँ। आप मतलब आप दिन भर कुछ खाएंगे भी नहीं फिर भी आपको इतनी सी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। तो इसका उपयोग मतलब जो हम हमारे पेड़ पौधों में उपयोग कर रहे हैं वही हम हमारे शरीर में उपयोग कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको करें। इसी तरीके से जो मैंने आपको शुरू में श्लोक बताए थे कि हम हमारी धरती माता को गोबर गौमूत्र से उपजाऊ बना सकते हैं या पत्ती फूल या फल से। पत्ती से कीट नियंत्रक बनता है, पत्ती से हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है, फूल के रस से शरीर में जितना हमारे पेड़ पौधे में फूल आएंगे उतने ज़्यादा फल आएंगे। तो अगर हम फूल का रस बनाएंगे तो जैसे हम फूल का रस अगर हम पियेंगे तो हम फूल जैसे खिल जाएंगे, वैसे हमारे पेड़ पौधों में ज़्यादा फूल आएंगे। और अगर हम फल का उपयोग करेंगे, इसको बायो कैटलिस्ट या बायो एंजाइम्स कहते हैं, इसको अगर हम बनाएंगे जो हमारे पूर्वज लोग बायो कैटलिस्ट या इसको संचय करने के लिए रखते थे, इस तरीके से बनाएंगे कि इसकी शक्ति 1000 गुना हम बढ़ा सकते हैं, उसका मैं भी आपको तरीका बताऊंगा। तो हम उसको बनाएंगे, तो पत्ती का आप कोई भी पत्ती का रस पानी में भिगो के रख लीजिए तुरंत में, अगर आपको बनाना है 48 घंटे बाद उसका पानी में वो शक्ति होती है कि उसका अक्स खींच लेती है, और उसका स्प्रे आप पत्तियों पौधों में कर देंगे तो आपके उसमें कभी कीड़े भी नहीं आएंगे और आपकी सब्जियां और बहुत अच्छी उगेंगी। और घर की वेस्टेज जो हम बाहर फेंकते हैं उसी को घर में अगर हम तरीके से उपयोग करें, और वैसे भी नहीं आप कर सकते तो आपके फल सब्जी जो भी छिलका निकले उसको आप पौधे जहां आपका पौधा लगा वहां मिट्टी को खोद के उसको दबा के ऊपर डाल दीजिए और उस पर थोड़ा सा ये मेथी का पानी या मही का स्प्रे कर दीजिए, गुड़ वाली मही का, तो सूक्ष्म जीवाणु पैदा होकर उसको खाद बना सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। सब्जियाँ तो इस समय इतनी ज़्यादा जहरीली उग रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे हमारे आयुर्वेद में किस मौसम में क्या खाना चाहिए इसके बारे में पूरी संक्षेप जानकारी है। जैसे हम पत्ता गोभी फूल गोभी हमें ठंड में ही खाना चाहिए। अभी आप जो पत्ता गोभी ये सब खा रहे हैं, अगर आप आयुर्वेद को थोड़ा सा पढ़ लें, उनकी कुछ पुरानी बहुत अच्छी छोटे छोटे दोहे थे उसको अगर आप समझें तो उसमें ही पूरे 12 महीने का पूरा सिस्टम दिया रहता है कि हमें कब क्या खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। तो उसको बहुत बड़ा विषय है, उसमें अपन बाद में जाएंगे अगली बार। तो इस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसको हमको समझना होगा। और जो मैं हर मंच में बार बार कहता हूँ कि सामाजिक समरसता हमें रखना चाहिए। मैं विश्व हिंदू परिषद में भी हूँ, तो थोड़ा सा एक उसका बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, मम मंत्र हिंदू रक्षा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, कि हम सब भारत माता की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, हम में से कोई पतित या पवित्र नहीं हो सकता, हम सब लोग समान हैं, ये भावना रख के हमें समानता का वो रखना चाहिए। और इसी से हम विश्व गुरु बन सकते हैं, क्योंकि हमारे गीता में हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने कहे कि हम सब समान हैं, कर्मों के हिसाब से सिर्फ हमें वर्ण व्यवस्था की गई, हम में से कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब कर्मों के हिसाब से है। एक बहुत अच्छा श्लोक है, फिर से बोलना चाहूँगा, श्री राम कृष्ण गौतम की भूमि, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी छंडन मंदन करती, शंकर चारों धाम यहाँ, जितने दर्शन उतनी राह, चिंतन का चैतन्य भरा, पंच खालसा गुरु पुत्रों की सेवा जी की बलिदानी ये पूर्ण धरा, अक्षय वट अगणित सकाए, जड़ से जीवन हिंदू है,
हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस भावना से हमें एक दूसरे की भावना से हमको हमारी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। और थोड़ा सा मैं अपनी संस्कृति के बारे में आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों की वाणी अमर, मेरी वेदों की वाणी प्रखर, मैं शंकर का वे क्रोधा नल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की वे प्रलय ध्वनि जिससे नस्ता भीषण सहार, मैं यम की प्लंकर पुकार, मैं मरते मरघट का धुआ धार, और अंतर तन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इस भावना से हमें रहना चाहिए कि हमारा संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। और एक कविता के द्वारा जो हमारे कर्मों से बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मैं अध्यात्म की बात करके कि कर्म तुम्हारा कल होगा, हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने साफ कहे हैं कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। गीता का छोटा सा सार बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे में जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन अग्नि में पकता है जब धुंध में खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम सब ईश्वर की संतान है, हम सब ईश्वर की संतान है, क्यों सोचे राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब आप में से कुछ लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे इसको हम स्कंद माता की शक्ति कहते हैं कि कैसे जब हम बायो कैटलिस्ट बनाते हैं तो शुरू में जब हम बनाते समय उसमें 10,000 जीवाणु होते हैं, लेकिन एक समय बाद उसकी एक बूंद में 20,00,000 जीवाणु हो जाते हैं। इसको प्राण ऊर्जा की शक्ति कहते हैं जो हमारी स्कंद माता पे बोली जाती है। तो जब हम 1:3:10 का रेशो लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं 1:3:10, इस 1:3:10 के रेशो में हम क्या लेंगे, 1 लीटर हम लेंगे गुड़ का पानी या शहद, 1 किलो गुड़ को हम 1 किलो पानी में मिक्स कर लेंगे, या शहद 1 किलो ले सकते हैं जिसके पास जो रहे, 3 किलो हमें मौसम के हिसाब से जो निकल रही है फूल पत्ती या फल लेना है, और 10 लीटर हमें क्या लेना है पानी लेना है, तीनों का मिश्रण कर देना है और इसको एयरटाइट कंटेनर में बंद कर देना है, कांच का रहे तो बहुत अच्छा है, और हर हफ्ते उसमें से हल्का सा ढीला करना है, गैस निकलेगी टाइट कर देना है, 90 दिन बाद उसकी शक्ति 10,000 गुना बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी 10,000 गुना, मतलब एक बूंद में जितनी हमने पूरी बोतल भरी उससे भी 20 गुना ताकत हो जाएगी। अगर हम सहजन या मुनगा आपने सुने होंगे, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि जल शोधन सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जल शोधन है। आप पानी का वैल्यूशन निकालिएगा और जब इसकी एक बूंद डाल के 5 मिनट बाद निकालिएगा तो आपका पूरा पानी एक्लाइन हो जाएगा, 100 के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब ये जैसे एक्लाइन वाटर हो जाता है। कभी भी आप देखिए पुराने जमाने में जो कुएं पेड़ होते थे वहाँ सहजन का पेड़ जरूर लगाते थे, वो नेचुरली छानते थे, हर घर में एक तुलसी माता का पेड़ और घर के बाहर एक नीम का पेड़ बोला जाता था, ये बड़े पुराने लोगों की चीज़ें थी, इसका अद्भुत विज्ञान है। तो अगर हम पत्तियों का बनाएंगे तो हम हमारे शरीर में भी उपयोग कर सकते हैं, हमारे पेड़ पौधों में अगर हम पत्ती का इसका उपयोग करेंगे, जो 10 लीटर बन रहा है हमारा, मतलब 1:3:10 के रेशो से लगभग एवरेज 10 लीटर बनता है, ये आप 40 एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। कितने एकड़ में, 2 ml 1 लीटर में इसको मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप पत्तियों में स्प्रे करेंगे पेड़ पौधों की तो कीट नियंत्रक का काम करेगा, हमारा कीटनाशक नहीं होता कीट नियंत्रक होता है। उसको अगर हम फलों का बनाएंगे तो फल हमारे बहुत ज़्यादा आएंगे, फल वर्धक जैसे हम लोग डालते हैं ना टॉनिक, तो टॉनिक का काम करेगा। फूल का बनाएगा तो फूल वर्धक करेगा, और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो टॉनिक का भी काम करते हैं और कीट नियंत्रक का भी काम करते हैं। तो ये अद्भुत तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपके आसपास जैसे ये सामने सीताफल के हैं या फिर जामुन के हैं या फिर हमारे
भी या अमरूद के हैं उसके पत्ते ले लिए 3 किलो, अद्भुत शक्ति है उसमें। उसका आप 2 बूंद डाल के मुंह से कुल्ला करेंगे तो आपका पूरा मुंह की छाले साफ हो जाएंगे। पानी में उपयोग करेंगे 1-2 बूंद तो पूरा पानी एक्लाइन हो जाएगा, आपके शरीर के लिए मिनरल वाटर बन जाएगा जो रियल में है। जो ये हम बोतलों में 1 लीटर पानी खरीद रहे हैं मिनरल वाटर नहीं है, ये सब नकली पानी है। तो हमारे शरीर के लिए भी अमृत है, हमारे पेड़ पौधों के लिए भी अमृत है, हमारी धरती माता के लिए भी अमृत है, क्योंकि हमारी धरती माता को भी ग्लूकोज चाहिए, टॉनिक चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा इसमें अद्भुत रहती है। तो कोई भी चीज़ को एकदम से बढ़ाना फैलाने का काम ये करता है। और खर्चा कितना आया, जो हमने गुड़ अगर हमारे घर में नहीं है तो हमने गुड़ का उपयोग किया तो 30 रुपये में कितने का बन जाएगा, 40 एकड़ का। जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी नहीं आता है। और अगर आपने घर में एक बार बना लिया तो आपके अगर 50 पेड़ पौधे भी लगे आप कर रहे हैं तो आपका साल भर चल जाएगा। एक बार मेहनत करना है हमको, शांत मन से बैठना है और एक बार मेहनत करके हमको उसको बनाना है। जैसे रीठा, मेरे घर में उपयोग करता हूँ मैं। 1-3-10 रेसों से आप 3 किलो रीठा ला लीजिए, 10 लीटर पानी ला लीजिए, ऐसे 90 दिन में बनाइए। 10 लीटर में आपका कपड़े धोने का, क्योंकि आज जो आप कपड़े पहनते हैं आप क्या कर रहे हैं, केमिकल ला रहे हैं उससे धो रहे हैं, वही केमिकल पसीने से आपके शरीर में जा रहा है और शरीर में वैसी जहर की कमी नहीं और आप नया जहर दे रहे हैं। और कितने का जाता है आपका 10 लीटर अगर आप लगाएंगे लेने जाएंगे तो मेरे हिसाब से आज 1 लीटर कितने का आता होगा लगभग, नहीं 1 लीटर जो घोल आता है वो तो साबुन नहीं बोल रहा हूँ, 100 रुपये का, अच्छी क्वालिटी का 100 रुपये का आता है। तो 10 लीटर कितने का हो गया, 1000 का, ये आपका 70 रुपये में बन जाएगा 10 लीटर। ये मेरे कपड़े उसी से धुलते हैं, इसके वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, इतने ज़बरदस्त कपड़े साफ होते हैं, उसकी शक्ति हजार, ऐसे झाग आते हैं उसमें। और उसी को अभी आज हम जो बर्तन में, ये जो पहले के ज़माने में क्या होता था, रीठे का थोड़ा सा घोल और हमारी यही जो बबूत है इसको मिला के बर्तन साफ होते थे। आज इतना सा भी अगर वो साबुन छूट जाए तो हमें लीवर का कैंसर तक हो रहा है। और 90% जो बाहर खा रहे हैं घर में अगर जल्दी साफ में हमने किए तो उसका कुछ ना कुछ अंश रह जाता है, बल्कि हमारे तो बबूत है। नॉर्मल आप बबूत से भी साफ करेंगे तो इतना अच्छा साफ हो जाएगा और उसका अगर अंश हमारे शरीर में चलेगा तो ऊर्जा ही बन के काम आएगा, बीमार की जगह हमें शक्ति का प्रवाह करेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम साबुन ला रहे हैं उससे बर्तन धो रहे हैं, जी चिकना है जी चिकना है जी। आप एक बार रीठा बना लो, थोड़ा सा कटोरी में रीठा और ये राख रख लो आप और उससे आप साफ कीजिए, बबूत से साफ कीजिए, आशीर्वाद भी मिलेगा, आपकी थाली भी इतनी साफ होगी, कितनी भीषण बीमारियों से आप ठीक हो सकते हो। तो आप सोचिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दादी माँ के नुस्खे ही सही थे, पैसा भी बचता था और पैसे से बड़ी चीज़ आप कितना भी पैसा हो जाए लेकिन शरीर से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। आपके सामने मैं सोना चांदी हीरे मोती भी ला के रख दूँ लेकिन अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा तो आप बोलेंगे भाई ये मेरे क्या काम का है, स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई सुख नहीं है इस जीवन में। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि हम, मैं एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कोरोना काल में देखा था। आप लोगों ने पागल देखे, पागल किस किसने पागल देखा, देखिए देखे सब लोगों ने जो रोडों में घूमते हैं, लगभग सबने देखे हैं ना, कुछ आवाज तो बोलिए। हाँ तो हमारे यहाँ पागल, पागल में मैंने बहुत सारी चीजों को गौर किया, कोरोना काल में हमारे यहाँ पागल नॉन स्टॉप घूमते रहे और दोनों कोरोना के बाल भी हमारे यहाँ 4 जो फेमस पागल थे एक भी नहीं मरा। पागलों में आप देखते होंगे तो उनके बाल बड़े घने होते, मैंने 6-6 महीने नहीं धोते, गंदगी जमने लगती है लेकिन बाल उनके, कोई टकला पागल दिखा गया कभी आपको, मेरे तो जितने भी हमारे यहाँ हमारे शहर में पागल पूरे घने बाल। और जब उनको ठंड लगती है तो आग ही सेकते हैं, जब उनको गर्मी लगती है तो पेड़ की छांव में चले जाते हैं। रात में पागल बहुत कम घूमते देखेंगे, देखना आप दिन को ज़्यादा दिखते हैं। जब उनको भूख लगती है जब वो खाने की तलाश में जाते हैं, जमीन का गंदा भी उठा के खा लेते हैं। आप किसी डॉक्टर होगा यहाँ पे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी पाचन क्रिया बहुत मजबूत होती है, बहुत ताकतवर पाचन क्रिया होती है और उनकी उम्र भी बहुत होती है। कहते हैं पागल इसको कुछ होता ही नहीं, उम्र भी बहुत बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि प्रकृति के पास रहते हैं। और कहते हैं चिंता चिता के समान है, चिंता चिता के समान है, उनको टेंशन नहीं रहती, वो मदमस्त रहते हैं हाथी के जैसे और प्रकृति के पास रहते हैं। तो सोचिए हम दुनिया भर का शैम्पू लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लेकिन सबके बाल कम है 90% लोगों के, वो ना तेल लगा रहे हैं, वो तो बाल तक नहीं धो रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी कभी चश्मा लगाते हो पागल नहीं मिलेगा आपको। तो आप जितना प्रकृति के पास रहेंगे, हंसने की बात नहीं मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप जितना प्रकृति के पास रहेंगे उतना लंबी उम्र, उतने शक्तिशाली, उतने आप ताकतवर होंगे। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। और हमारे दादाजी हमें सिखाते थे कि हमेशा अपने कमाई का 10% लोगों पे लगाओगे तो आप जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी।
एक कबीर जी का दोहा भी है कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंत जी को छाया नहीं और फल ला गया थी दूर। तो हमें बरगद के जैसे बनना चाहिए, झुकना चाहिए और लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और एक और बहुत अच्छा दोहा याद आ गया इसी बीच कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मैं खुद को देखन चला, बुरा मैं ही होई। तो हम खुद को ही देख लेंगे तो हमको दुनिया बुरी नहीं लगेगी, खुद को अच्छा कर लेंगे तो हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। बस कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। ये मीठा से साबुन कैसे बनाते हो? साबुन आबुन की जरूरत ही नहीं है, आप 1:3:10 का रेशो रखो, 3 किलो रीठा रख लो आप मार्केट से खरीद के लाओ, वो 3 किलो रीठा आपका 101 रुपए का आ जाएगा। 3 किलो गुड़, 1 किलो गुड़ का पानी लिख लो, 10 लीटर पानी, उसमें डेट लिख लो आज बना रहा हूँ, 3 महीने बाद बनके तैयार हो जाएगा। और हर हफ्ते उसका ढक्कन ढीला करना, ऑक्सीजन ना जाए उसमें, गैस निकलेगी टाइट कर दीजिए, बस एक छाव की जगह में आप बना लीजिए। नहीं नहीं, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, क्योंकि अगर हम 2-1 महीने तक छोड़ देंगे तो इतनी गैस हो जाएगी फूट भी सकता है। और कांच के बर्तन में सबसे अच्छा बनता है, कांच के बर्तन के अलावा बड़े स्तर में भी बना सकते हो, अगर बड़े स्तर प्लास्टिक के उसमें आप सब बना सकते हो, लेकिन अगर घरेलू उपयोग या 1-2 एकड़ के लिए उपयोग करना तो कांच का बर्तन बहुत बढ़िया है और इतना जबरदस्त बनता है। और भभूत, हमको हर घर में हमको भभूत का उपयोग करना चाहिए बर्तन साफ करने के लिए। मेरे घर में रीठा और भभूत को मिक्स करके ही उपयोग होता है, क्योंकि मैंने पहले तो चिल्ला के बोला कि रात से ही करो, तो कई बार कहती थी इसमें थोड़ा चिकनापन, इसमें थोड़ा चिकनापन, तो मैंने उनको कपड़े वाले में बोला ये रीठा को मिक्स कर लो, तो फिर अब कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। घर से जो पास होता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, घर में जो फैल कर देते हैं उसको मैं खुद ही मना कर देता हूँ आपको। ये एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस माह में क्या ना खाएं। तो चोवे गुड़ वैसाखे तेल, जेठ के पंत अषाढ़े बेल, सावन साग भादो मूली भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगन जीरा पूसे धना, मादे मिश्री फाल्गुन चना, जो कोई इतने परहरे ता घर वेद पैर नहीं धरे। मतलब वहाँ पे कभी आपको फिर वेद के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लिखा है कि चैत्र में गुड़ ना खाएं, वैसाख में तेल ना खाएं, आषाढ़ में बेल ना खाएं, सावन में हरी सब्जी ना खाएं हरे पत्ते वाली, भादों में मही ना खाएं, क्वार में करेला ना खाएं, कार्तिक में दही ना खाएं, अगन में जीरा ना खाएं, पूसे मतलब ठंड के उस समय धना ना खाएं, माद में मिश्री ना खाएं, फाल्गुन में चना ना खाएं। और किस माह में क्या खाएं? चैत्र चना, वैसाखे बेल, जेठ सयन, आषाढ़े खेल, सावन हर्रे, भादो तिल, क्वार मास, गुड़ सेवे नील, कार्तिक मूल अगन तेल, पूस करे दूध से मेल, माद माघ घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ नित प्रात नहाए। तो ये इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे श्लोक हैं, अद्भुत महिमा है इसकी। बस इसको हम अगर थोड़ा सा समझ लें, थोड़ी सी दिनचर्या हमारी सुधार लें, तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे आप लोगों को। अलग अलग जगह पे खेत हैं और 4 या 5 जगह खेत हमने देखा। हाँ, जी जी। हर जगह पे गाय हैं, छोटी छोटी गौशालाएं हैं, एक जैसे सारी गाय नहीं रखी है, हर खेत पे गाय हैं, हर खेत पर अग्निहोत्र होता है, अलग मतलब 4 जगह हैं, तो चारों जगह गौशाला है, चारों जगह अग्निहोत्र होता है। और 50-55 एकड़ जगह में पूरे में जैविक खेती करते हैं, बाकी का सारा कुछ जो जैसे खाद बनाना बताया, इन्होंने जो कुछ बताया है ये सब कुछ इनका रोज के दैनंदिन जीवन में लागू करते हैं, अपने जो बताया है वो अपने अनुभव के उससे बताया है। और ये एंजाइम देखा तो इनके ऑफिस में कितने होंगे, 100? हाँ, आराम से 100 प्रकार के एंजाइम बना के रखे हुए थे, सब जितने भी फल हैं, जितनी भी पत्तियाँ हैं, मतलब औषधि के रूप में अगर कुछ है तो वो यही एंजाइम ही है। तो अपने पास आसपास, इसलिए मैंने इच्छा थी कि आए ये बताएं, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों से बच सकते हैं, तो जहाँ जहाँ हम बच सकते हैं वहाँ से बचने की हमको कोशिश करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। अग्निहोत्र में बहुत अच्छा वातावरण देता है, पर फिर भी हम सतत जल के संपर्क में भी हैं उसके बावजूद, तो जहाँ बच सकते हैं, जहाँ बच ही नहीं सकते वहाँ और बात है, पर जहाँ बच सकते हैं वहाँ बचने की कोशिश करना चाहिए। मेरे यहाँ ऑफिस हो, शोरूम हो, घर हो, जैसे मेरी बिटिया हम लोग साथ में बैठ के करते हैं, कहते हैं संस्कृति से संसार का निर्माण होता है।
आपको अगर अपने संस्कार बदलना है, संसार बदलना है, तो अपनी संस्कार बदल दीजिए। तो हमारी संस्कृति का निर्माण ही संस्कार से होता है, और इसकी सबसे बड़ी नींव हमारे अग्निहोत्र, क्योंकि अग्निहोत्र से मैंने जो आपको बताया कि जो सात ऊर्जा निकलती हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं और जब हमारा मन शांत होता है, तो जिसका मन शांत है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ असंभव नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, जो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मानव सबकॉन्शियस माइंड्स और अनकॉन्शियस माइंड को बहुत कम परसेंट हम अपने उपयोग करते हैं। हम तो सुपरमैन हैं, हम सब लोग, आप सब लोग, और हमारी संस्कृति तो मतलब अध्यात्म PhD है, कि सिर्फ एक परमात्मा ही नहीं, माताओं की शक्तियाँ, जो काली माता हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की, हमारे उसमें हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है। हमारे जैन धर्म में हमारे गुरुजी सिखाते हैं कि जो मूर्ति होती है उसको देख के उसको आप धारण कीजिए, कि आप उसको देख के क्या धारण कर सकते हैं। जैसे अभी गणेश जी गया, तो गणेश जी में हम क्या देखते हैं, उसकी बड़ी अच्छी कहानी 2 मिनट आ गई तो सुना देता हूँ आप लोगों को, कि कहानी मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हर कहानी चेतना का एक प्रतिकरण है, कि हर लीला के पीछे एक चेतना, एक अध्यात्म है। तो उस कहानी के हिसाब से आध्यात्मिक थोड़ी कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, कि पार्वती जी शरीर का लेप निकाल के एक मूर्ति बनाती हैं, तो मूर्ति के लेप बनाने के बाद उसमें प्राण आ जाते हैं और वो गणेश जी बन जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि मैं अंदर जा रही हूँ, किसी को आने मत देना। शंकर जी आते हैं, अब शंकर जी जिनने मन बुद्धि संस्कार चेत्र में पूरा कंट्रोल, चारों धाम के देव, क्या वो एक छोटे से बच्चे का सर धड़ से अलग कर देंगे क्या? तो इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी है कि हमारे अंदर जितना भी द्वंद्व द्वेष सबको निकाल के एक मूर्ति के तौर पे करना है, और धड़ से अलग करना मतलब हमारे को घमंड को अलग कर देना है। और हाथी का चाहिए उनका क्यों लगाते हैं, कि हाथी का माथा देखेंगे बहुत छोटा, उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है, आज आपको देखेंगे 20 साल बाद भी आपको तुरंत पहचान लेंगे। तो हमें अच्छी चीज़ों को शक्तिशाली से समझना चाहिए। उनके कान सूफे जैसे होते हैं, देखे आपने, जब गेहूं को सूफे से करते तो हमारे पत्थर अलग निकाल जाता है और गेहूं अलग आ जाता है, वैसे हमें जितनी भी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें अच्छी चीज़ों को हमको निकालना है, बुरी चीज़ों को बाहर कर देना है। सूंड आपने देखें कि किसी को आशीर्वाद देने के काम, फल खाने के काम, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ऐसे उखाड़ के पेड़ भी उखाड़ देते हैं, कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, उससे डरना चाहिए, लेकिन हमेशा हमेशा हमें विनम्र रहना चाहिए, हाथ जोड़ के रहना चाहिए। पेट उनका फूला है, क्यों है? क्योंकि जितनी भी बुरी चीज़ें वो पेट में रख के भूल जाते हैं, ठीक है, एक कान से निकले दूसरे से निकाले इस टाइप से। इसके बाद उनकी 2 पत्नी थी, रिद्धि सिद्धि। अब जिनके पास इतनी सब चीज़ें आ गई तो उनका हर काम सिद्ध होगा, हर चीज़ में उनको रिद्धि मिलेगी। उनके 2 पुत्र से शुभ लाभ, जिनके पास अष्ट निधि के दाता हैं, जिनने रिद्धि सिद्धि पाली, तो उनका हर काम शुभ और हर काम में उनको क्या होगा, लाभ होगा। तो अगर हम हर चीज़ को आध्यात्मिक तौर पे समझ लें कि अध्यात्म कितनी बड़ी शक्ति है, और हमारी हर चेतना के पीछे, विज्ञान के पीछे, कहानी के पीछे अध्यात्म है, या चेतना का प्रकृतिकरण है, या द्वंद्व है, उसको अगर हम समझते जाएँ, तो PhD है इस हर चीज़ों में। तो इतना बड़ा विषय कि अगर समय 2-3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं फिर आगे उसमें, तो बहुत अच्छे। और मैं हृदय से आभार करता हूँ आप सब लोगों का, कि मुझ जैसे आम इंसान को आप लोगों ने बुलाया और इतनी देर आप लोगों ने सुना। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई होगी तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ।